हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एम के मूवी फैक्ट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं हिंदी तेलुगु भाषा में बनी फिल्म वीरूपक्षा मूवी के आज हम दोस्तों हिंदी में रिव्यू करेंगे, जो कि दोस्तों इस फिल्म से जुड़े कुछ ऐसे न्यू स्टोरी को और फिल्म का रिलेटेड या फिल्म की कहानी, फिल्म की दोस्तों बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ साथ दोस्तों मैं आपको बता दें कि हमारे चैनल पे दोस्तों मात्रा मूवी रिव्यू, मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ साथ दोस्तों न्यू अपकमिंग मूवी की इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो दोस्तों आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि दोस्तों तेलुगु भाषा की बनी फिल्म वीरूपक्ष, जो कि दोस्तों यश फिल्म को तेलुगु भाषा के साथ बनाई गई है। तो दोस्तों इस फिल्म से जुड़े कुछ ऐसे न्यू स्टोरी को स्टार्ट करने जा रहे हैं, तब तक दोस्तों आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ साथ बेल आइकन प्रेस करें। फिल्म वीरूपक्ष, जो कि दोस्तों 2023 की भारतीय तेलुगु भाषा की हर्रर थ्रिलर फिल्म है, जो दोस्तों जिसका डायरेक्टर कार्तिक वर्मा डांटू ने किया है, जिन्होंने दोस्तों कुमार के साथ फिल्म का सह लेखन किया था। फिल्म का निर्माण बीवीएसएन प्रसाद और सुकुमार ने क्रमशः श्री वेंकटेश्वर सिने चलचित्र और सुकुमार राइटिंग्स के माध्यम से किया गया था। इसमें दोस्तों सई धर्म तेज, संयुक्त सुनील राजू कंकला, ब्रहाजी अजय और रवि कृष्णा शामिल हैं। फिल्म वीरूपक्ष, जो कि दोस्तों 21 अप्रैल 2023 को रिलीज हुई थी और इसे आलोचकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली है। दोस्तों फिल्म बॉक्स ऑफिस पर व्यावसायिक रूप से सफल रही और फिल्म में यह फिल्म का डायरेक्टर कार्तिक वर्मा डांडू ने किया था। फिल्म की पाठक कथा सुकुमार किया है और फिल्म की संवाद कृष्णा हरि ने संभाले थे, जबकि दोस्तों फिल्म की अभिनीति साई धर्म तेज, संयुक्ता सुनील ब्रहाजी और राजीव कनाकला, अजय रवि कृष्णा जैसे और बड़े स्टार आपको दोस्तों फिल्म में देखने को मिलेंगे। फिल्म का छायांकन समर दत्ता सैनुद्दीन ने संभाला है और फिल्म की उत्पादक कंपनी श्री वेंकटेश्वर श्री ने सिने चित्र और सुकुमार लेखन द्वारा उत्पादित किया गया था। 21 अप्रैल 2023 को रिलीज हुई फिल्म वीरूपक्ष, जो कि दोस्तों यह फिल्म का रिलीज 21 अप्रैल 2023 को रिलीज किया गया था। दोस्तों इस फिल्म का रोना टाइम 146 मिनट के साथ बनाई गई है और यह फिल्म को तेलुगु भाषा के साथ भारत में रिलीज हुआ था। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 103 करोड़ की जबरदस्त कलेक्शन किया था, जो कि दोस्तों यह फिल्म कमाई के मामले में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था। अभिनेता साई धर्म तेज की फिल्म में सूर्या के रूप में दिखाई दिए हैं और वहीं दोस्तों संयुक्ता नंदनी के रूप में हैं और सुनील एक ग्रामीण अब्बाई राजू के रोल निभाए हैं, जबकि दोस्तों हरिचंद्र प्रसाद के रूप में राजीव कनकला अपना रोल निभाए हैं। फिल्म की बात की जाए तो दोस्तों यह फिल्म का कहानी यानी संगीत दिया है, फिल्म का इसको साउंडट्रैक भी अजनेश लेखनाथ द्वारा रचित है, जबकि दोस्तों पहला गाना नच बुल्ले 24 मार्च 2023 को रिलीज किया गया था, जबकि दोस्तों दूसरा गाना कल्लालो 23 अप्रैल 2023 को रिलीज हुई थी। और दोस्तों फिल्म के कलात्मक रुद्रमन गांव के बाहरी हिस्से और सड़कों को तकनीकी विशाखापत्तनम जिले के आराकू और पडेरू में और उसके आसपास फिल्माया गया था, जहां दोस्तों कार्तिक वर्मा ने पाठक कथा लिखी थी और हंटेड हाउस और सरपंच हाउस का सेट हैदराबाद में बनाया गया था। फिल्म की कहानी की ओर नजर डाले तो दोस्तों फिल्म में वीरूपक्ष मूवी 2023 की भारतीय तेलुगु भाषा की फिल्म है, जो दोस्तों जिसका डायरेक्टर कार्तिक वर्मा डांडू ने किया, जिन्होंने सुकुमार के साथ फिल्म का लेखन किया था। वहीं दोस्तों फिल्म को कथानक यानी 1979 रुद्रामनम में वेंकटेश चलचित्र और उनकी पत्नी पर क्रुद्ध निवासियों द्वारा बेरहमी से हमला किया जाता है।
उन्हें भगाया गया और जिला जला दिया गया। उनका अनुमान था कि उनके भयानक अनुष्ठानों काले जादू के कारण गांव में कई मौतें हुई और मरने वाली महिला रुद्रमन को पत्रम देती है और वह बड़ा साल बाद गांव के विनाश की आकांक्षा जाती है। दंपति के छोटे बेटे भैरव को बाद में सरपंच हरिचंद्र प्रसाद के आदेश पर एक अथनल्यालय में भर्ती कराया गया था, लेकिन दोस्तों 1991 में एक अलौकिक कौवे के हमले के बाद एक निवासी सहदेया के लापता होने के एक सप्ताह बाद अनसुईया अपने बेटे सूर्य और भतीजे के साथ एक स्कूल में निर्माण करने के लिए अपने जमीन का एक हिस्से देने के लिए अपने गृह नगर रुद्रवनम का दौर करती है। और दोस्तों देवी मुद्दाबा के सम्मान के आयोजित गांव के वार्षिक कार्निकल में भाग लेते हैं। और दोस्तों हरिचंद्र प्रसाद की बेटी नंदनी के साथ सूर्या की मुलाकात के परिणाम स्वरूप प्यार हो जाता है और वह स्पष्ट रूप से प्रतिसाद देती है, लेकिन दोस्तों उसके प्रस्ताव को स्वीकार करने में झिझकती है और सिद्धे एक भयावह चेकक हो गया और मंदिर में आता है और अतरंगिक गर्भग्रहण मर जाता है, जिसके अब वित्रता मनाया जाता है और मंदिर के मुख्य पुजारी के पारंपरिक आदेश से विश्लेषण करते हुए घोषणा की देवी और उनके बच्चों ग्रामीणों को अपवित्र किया गया है। चौधरी की मृत्यु के साथ प्राच्य में रोकने के लिए अगले आठ दिनों के लिए गांव को आठ दिशाओं में सील करना आवश्यक है, लेकिन दोस्तों अब अवागम और निषिद्ध है, लेकिन दोस्तों और सभी धार्मिक प्रति को मंदिर में गृहित किया जाना चाहिए। सूर्य और उसके परिवार को बाहर जाने की अनुमति दी गई है, लेकिन दोस्तों इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वो 18 वर्षों से गांव में नहीं आए हैं और फिर भी सूर्य एक शीशी देने के लिए रुद्रवनम में पुनः प्रवेश करता है। तो दोस्तों नंदिनी को ठीक कर ले सकती है जो ऐठन से ग्रस्त है, जिसे दोस्तों वह 8 दिनों तक उस स्थान के अंतिम छोर तक जाने में असमर्थ हो जाता है। शुद्धा नंदिनी की करीबी दोस्त अपने प्रेमी कुमार के साथ भागने के लिए सीमा उल्लंघन करती है, जिसकी दुखद मौत वह देखती है और गांव लौटती है, लेकिन दोस्तों मधुमुखी के छत्ते में चली जाती है, जिससे दोस्तों मधुमुखियां उस पर हमला करते हैं और उसे मारने के लिए उकसाती है। शुद्धि की चुप्पी से अनजान उसके माता पिता ने अपमान के डर से उसके भागने को छुपाया और एक दूध वाले सूर्य और सूर्या की चचेरी बहन पार्वती की कथित और आत्महत्याएं सूर्य को परेशान करती है, जो दोस्तों धर्म धरनाओं का विश्वास करता है और एक आरामपी डॉक्टर के साथ हत्याओं को जांच करता है और दोस्तों एक अघोरा गांव को आने वाले खतरों से आगाह करता है और वह समझता है कि उन्हें तालाबंदी करके गलती की सूर्य ने सुधा की लाश की खोज में और कुमार की मृत्यु का पता लगाया है, लेकिन दोस्तों महसूस करते हुए कि सूर्य ने
सुधा की मृत्यु देखी और पार्वती ने सूरी को अपना गला काटते हुए देखा। जैसे सुधा ने कुमार की मृत्यु देखी और सूर्य ने निष्पष्ट कला की मृत्यु एक से दूसरे संक्रमित हो रही है और न्यूनतम संभावित शिकार का पता चलता है। लेकिन दोस्तों नंदनी जो अंत आत्महत्या के बारे में सोचती है लेकिन सूर्य के समय पर हस्तक्षेप से वह बच जाती है। सूर्य चालपति और उसके परिवार से जुड़े अस्तित्व को आत्मसात करता है और आरएमपी के साथ उनके जीर्ण और आवास में घुसपैठ करता है। हाल ही में दोस्तों उससे जुड़े अतीत का आत्मसात करता है और आरएमपी के साथ उनके जीर्ण और शीर्षक आसपास में घुसपैठ करता है। हाल ही में दोस्तों उसका स्थान की यात्रा के दौरान सूर्य को भर्व पर संदेह हुआ और मुख्य रूप से पुजारी को आदेश का आकलंक किया और दोस्तों पोषण घोषण की नंदनी की बलि देने से घटनाएं समाप्त हो जाएगी। लेकिन दोस्तों ग्रामीणों का विरोध करते हुए सूर्य ने नंदनी को बेहोश कर दिया और 8 घंटे के भीतर समस्या का समाधान करने की कसम खाई है। वह दोस्तों गौरव के आधानालय का दौर करता है जहां दोस्तों उसे पता चलता है कि गौरव भैरव उसके संस्थापक को पग्गू बनाने के बाद फरार हो गया है। सूर्य और हरो के ठिकाने की खोज की और प्रतिक्रिया में कुछ अघोरों का पता चल लगता है और अघोरों जिनसे दिन में पहले ग्रामीणों को चेतावनी दी और एक गुफा की खोज में उसकी सहायता करता है जहां दोस्तों जादू किया गया और सूर्य ने भैरव के सम्मान को उजागर किया और जिससे उसे एक एहसास हुआ कि कुमार ही भैरव की और रुद्रमन की वास्तविक शिलालेख और जिसे एक नकली के साथ बदला दिया गया था जिसे दोस्तों वर्तमान में उपयोग किया जा रहा है। यह समझाते हुए कि एक ग्रामीण सहायता कर सकता है और वह वास्तव में कुमार को सर्प का निष्पादित करने का निर्देशक दे रहा है। सूर्य को पता चलता है कि नंदनी का बलिदान गांव को खत्म करने के लिए एक धोखा है। लेकिन दोस्तों यह फिल्म काफी चली थी जो कि दोस्तों यह फिल्म को दर्शकों ने काफी पसंद किया था। फिल्म जो दोस्तों तेलुगु भाषा की बनी फिल्म विरूपक्ष जो कि दोस्तों इस फिल्म में अभिनेता शायद हमतेज है जो दोस्तों यह एक भारतीय अभिनेता है जो दोस्तों तेलुगु फिल्मों में काम करते हैं। अल्लू को और अल्लू कोनिडेला परिवार से संबंधित उन्होंने अपने अभिनय कैरियर की शुरुआत बॉक्स ऑफिस पर सफल पिल्ला नब्बू लेनी और जीवित हम 2014 से की थी जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण के लिए सीमा पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण के लिए सिनेमा पुरस्कार मिला है। अपनी शुरुआती के बाद तेज और सुब्रमण्यम फारसेल 2015 और सुप्रीम 2016 जैसे फिल्मों में दिखाई दिए हैं जो दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और इसके बाद एक के बाद एक आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलताएं मिली और इसके बाद तेज ने सफल फिल्मों में चित्रलहरी 2019 और प्रतिरोजु पडांगे 2019 और शोले बैथू के शो बैटर 2021 2020 और रिपब्लिक 2021 से खुद को स्थापित किया था। उनकी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली रिलीज विरूपाक्ष 2023 के साथ रिलीज हुई थी जो दोस्तों काफ़ी कमाई की है।
तेज ने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत 2014 में रेजिना कैसेंड्रा के साथ फिल्म पिल्ला नुबुल्लु लेनी और जीवितम से की थी, जो दोस्तों यह बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा कि शायद धर्म तेज का देहाती आकर्षण और उनके कार्यों को विश्वसनीयता बनाता है, लेकिन दोस्तों अभिनेता विशेष रूप से अपने डांस मूव्स से काफ़ी प्रभावशाली है। जबकि दोस्तों डेकन क्रॉनिकल ने कहा कि शायद धर्म तेज ने एक परिपक्व प्रदर्शन किया है। वह दोस्तों पूरी फिल्मों में अपने प्रदर्शन से मनोरंजक करते हैं और उन्होंने यह काम काफ़ी सहजता से किया है। उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण और फिल्मफेयर के लिए सिनेमा पुरस्कार मिला है। लेकिन दोस्तों 2015 में तेजा ने दो फिल्मों में रिलीज हुई उनकी पहली फिल्म रेत थी, जिसमें उन्होंने सयामी खेर के साथ राग का किरदार निभाया था। 123 तेलुगु ने कहा कि शायद धर्म तेज का शानदार प्रदर्शन इस फिल्म की प्रमुख संपत्ति है। लेकिन दोस्तों 2015 में तेज की दूसरी रिलीज सुब्रमण्यम पार्सेल से की थी, जो दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और 33.95 करोड़ से अधिक की कमाई की थी। पिल्ला नुब्बु लेनी और जीवितम 2014 के बाद उन्होंने दूसरी बार रेजिना कैसेंड्रा के साथ अभिनय किया था। हालांकि दोस्तों विभिन्न आलोचकों ने इसे नियमित कहा और तेज के प्रदर्शन को बेहतर प्रदर्शन और सहज और आश्चर्यजनक बताया है। दोस्तों अगले वर्ष रिलीज हुई तेज की एक्शन कॉमेडी सुप्रीम थी। सुप्रीम भी आर्थिक रूप से सफल रही थी और उनकी सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक थी। सुप्रीम के बाद तेज ने 5 फिल्मों में मुख्य भूमिका में अभिनय किया है, जिनमें से दोस्तों थिक्का 2016, बिना 2017, जवान 2017 और इंटेलिजेंट 2018, तेज आई लव यू 2018 शामिल है। सुपरस्टार तेज की अपनी फिल्मों में सम्मान और नियमित कहानियों का चयन करने के लिए भी आलोचना की गई थी। चित्रलहरी उनकी 2019 की पहली रिलीज थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी। आलोचकों ने उनके प्रदर्शन की प्रशंसा की और तेज ने अपने कैरियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। टाइम्स ऑफ इंडिया ने फिल्म में विजय के किरदार को तेज के अब तक के कैरियर का सबसे सर्वश्रेष्ठ किरदार बताया है। फिल्म में उनकी भूमिका के बारे में डेकन क्रॉनिकल ने बताया कि शायद धर्म तेज ने अपना वजन बढ़ाया है और दाढ़ी के साथ तैयार दिखते हैं और चरित्र में फिट बैठते हैं। इसे दोस्तों भूमिका के लिए उन्हें अपनी सामूहिक छवि को पूरा तरह से अलग रख दिया है। वर्ष की उनकी अगली फिल्म प्राचीन रोजू पड़ंगे भी सफल रही थी और द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने मुरली कृष्णा CH ने फिल्म्स में अपने समीक्षक ने लिखा है कि फिल्म निश्चित रूप से साई धर्म तेज का कैनवास और वह तेजता के साथ अपने मन्नक और चाप पेश करते हैं। बाद में दोस्तों 2020 में उनकी फिल्म लुंगे बेथ के सो बेटा को COVID-19 महामारी के बाद रिलीज हुई थी और सिनेमा घर में 50% एक्यूपेंसी की प्रतिबंधक के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी। लेकिन दोस्तों आइडल ब्रांड ने के सीवी ने तेज के प्रदर्शन की सराहना की, विशेष कर उनकी कॉमेडी टाइमिंग और फिल्म के भावनात्मक दृश्य में अभिनय की। इसके विपरीत द हिंद की वाहाई सुनीता चौधरी ने कहा कि तेज को बेहतर स्क्रिप्ट से फायदा हो सकता था। देवकट्टा द्वारा निर्देशित अपनी अगली फिल्म रिपब्लिक 2021
2021 में देश के एक आईएएस अधिकारी की भूमिका निभाई थी। दोस्तों फिल्म जो एक राजनीतिक ड्रामा है और उनके सकारात्मक समीक्षा मिली, आलोचकों ने उनके प्रदर्शन की परिपक्वता कहा था और फिल्म को दर्शकों द्वारा खूब सराहा गया था और यह हिट बन गई थी। तेलंगाना टुडे के प्रकाश पंचती ने कहा कि रिपब्लिक निश्चित रूप से शायद रमतेज के लिए एक उपलब्धि है और तेज की 15वीं फिल्म विरूपक्ष भाग बेलेना प्रसिद्ध वाले कार्तिक वर्मा डांडू द्वारा निर्देशित एक सामाजिक काल्पनिक फिल्म है, लेकिन दोस्तों जिसे आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली है। यह उनके कैरियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई और वह अगली बार अपने चाचा पवन कल्याण के साथ विनोदय और सिद्धम ब्रो के रीमेक में अभिनय कर रहे हैं, जिसका डायरेक्टर सोनू तिरकानी ने किया था, जिन्होंने दोस्तों मुल्क का भी निर्देशक किया था। यह जुलाई 2023 में रिलीज होने वाली उनकी क्रमश और नवोदित जयंत पानुगाती और संपत नदी के साथ फिल्मों में भी साइन किया गया था। लेकिन दोस्तों सितंबर 2021 में तेज ने हैदराबाद में दुर्गम और चेरुबो ब्रिज के पास एक एकल वाहन मोटरसाइकिल की दुर्घटनाग्रस्त घायल हो गया था। उन्होंने अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बात करें दोस्तों फिल्म में सुपरस्टार अभिनेत्री संयुक्ता, जिसने पूर्व नाम संयुक्ता मेनन के नाम से भी जाना जाता है, यह एक भारतीय अभिनेत्री है जो मुख्य रूप से मलयालम, तेलुगु, तमिल फिल्मों में दिखाई देती है। उन्होंने मलयालम फिल्म पॉपकॉर्न 2016 से अभिनय की शुरुआत की थी। संयुक्ता ने थेवंडी 2018, ओरु यदन यमंदन और प्रेम कथा कल्लिक दोनों 2019 और वेलम 2021 और कुडवा 2022 सहित सफल मलयालम फिल्मों में काम किया है। विमला नायक 2022 के साथ अपने तेलुगु डेब्यू के बाद उन्होंने बिम्बिसरा 2022 में एक इंस्पेक्टर वाथी 2023 में एक जीवी विज्ञान शिक्षक और विरूपक्ष 2023 में एक प्रतिशोध महिला की भूमिका निभाने के लिए प्रशंसा किया था। लेकिन दोस्तों बात की जाए संयुक्ता ने 2016 में मलयालम फिल्म पाप करने से अपनी फिल्म की शुरुआत की, जहां उन्होंने फिल्म साइंस टाम चाको से प्रेम की अनजान की भूमिका निभाई। यह तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर कल्लारी में थेन मोची के रूप में दिखाई दी है। उन्होंने दोस्तों 2018 की भारतीय मलयालम भाषा की रिवेंज थ्रिलर फिल्म लिली में शीर्षक भूमिका निभाने के लिए चुना गया था, जिसकी पाठकथा और निर्देशक नवदित प्रसव विजय ने किया था। लेकिन दोस्तों 2017 के अंत में घोषित जुलाई कैटरिल में एक रोमांटिक कॉमेडी तमिल फिल्म है। यह परियोजना 2018 में रिलीज हुई थी। उनकी अगली रिलीज थी एंटी एक मलयालम भाषा के राजनीतिक वैज्ञ फिल्म थी, जो दोस्तों डेब्यूटेड फेम और फेलिनी टिप्पी द्वारा निर्देशित और बिनी विश्वलाल द्वारा लिखित थी। 2019 के संयुक्ता की पहली बार रिलीज ओरु यमंदन और प्रेम कथा थी, जो दोस्तों बीसी नेपाल द्वारा निर्देशित एक विभिन्न जल और विष्णु उनके कृष्णा द्वारा लिखी थी। उन्होंने दोस्तों उयारे में टेसा के रूप में एक छोटी सी भूमिका और पदन धन की साइड की भूमिका निभाई है, जिसमें प्रवीण और प्रारंभम द्वारा निर्देशित टेविनो थमस मुख्य भूमिका थे। बाद में दोस्तों उन्होंने भीमला नायक के कास्ट किया था और जो फरवरी 2022 में रिलीज हुई थी। अगली बार 2022 में उन्होंने फिल्म गालीपत्ता 2 से कन्नड़ में अपनी शुरुआत की है।
वही दोस्तों बात की जाए फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता सुनील जोशी। दोस्तों यह एक भारतीय अभिनेता है जो दोस्तों फिल्म विरूपाक्ष मूवी में अभिनेता शाहिद धरव तेज के साथ दिखाई दिए हैं। सुनील जिन्हें सुनील के नाम से जाना जाता है और यह एक भारतीय अभिनेता है जो मुख्य रूप से तेलुगु फिल्मों में काम करते हैं। उन्होंने दोस्तों तमिल फिल्म में भी अभिनय किया है और अपनी हास्य भूमिकाओं के लिए प्रसिद्ध सुनील ने अपने कैरियर में 180 से अधिक फिल्मों में काम किया है जिसमें कुछ मुख्य भूमिकाएं भी शामिल है और उन्होंने 3 राज्य नदी पुरस्कार 2 दक्षिण फिल्मफेयर पुरस्कार जीते हैं। सुनील ने अडंगला और रामुड्डू 2006 में मुख्य भूमिका निभाई है और उसके बाद कई तेलुगु भाषा की फिल्मों में अभिनय किया है जिसमें मर्यादा और रमन्ना 2010, पुल्ला और रंगाडू 2012 और तदंखा 2013 जैसी व्यावसायिक सफलताएं शामिल है। सुनील ने इनके अभिनय कैरियर की शुरुआत यानी दोस्तों 2010 में सुनील ने SS राजमौली द्वारा निर्देशित मर्यादा और रमन्ना में अभिनय किया था। लेकिन दोस्तों जो व्यावसायिक रूप से सफल रही और सिफी के एक समीक्षक ने कहा कि सुनील अब एक कॉमेडी हीरो की तरह नहीं दिखेंगे। उनके नेतृत्व बेहद शानदार है और इसके बाद सुनील को वीरभद्रम और चौधरी द्वारा निर्देशित पुल्ला रंगाडू में मुख्य भूमिका के लिए चुना गया था जो दोस्तों दुनिया भर के 450 सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। फिल्म को सकारात्मक समीक्षा मिली है। उदाहरण वचित वह फिल्म कलर फोटो 2020 में खलनायक थे और जिसे उन्होंने आलोचनात्मक प्रशंसा मिली है। 2021 में दोस्तों फिल्म पुष्पा द राइज में सुनील को एक गंभीर गैंगस्टर मंगल सिन्हू और असामान्य की भूमिका में देखा गया था जो दोस्तों उनके द्वारा आमतौर पर भी निभाई जाने वाली कॉमेडी भूमिकाओं से बहुत अलग है। और फिल्म की सफलता के बाद उन्होंने नकारात्मक भूमिका निभाने के लिए कई प्रस्ताव मिले थे और दोस्तों उन्होंने 2023 में माबीरन 2023 के साथ तमिल में अपनी शुरुआत किया था। लेकिन दोस्तों बात की जाए फिल्म पेरो पक्ष में अभिनेता ब्रह्मासंजी जो कि दोस्तों यह एक भारतीय अभिनेता है जो दोस्तों तेलुगु फिल्म में काम करते हैं। तेलुगु मूवी में काम करने वाले अभिनेता ब्रह्मासंजी जो यह एक भारतीय अभिनेता है जिन्होंने तेलुगु सिनेमा में काम करते हैं और यह निर्देशक कृष्ण वंशी के फिल्मों में नियमित अभिनेता है और बतौर निर्देशक कृष्ण वंशी की पहली फिल्म गुलाबी में ब्रह्मासंजी अहम भूमिका में देखे थे। वह कृष्ण वंशी की दूसरी फिल्म निन्ने पेल्लाडाटा में दिखाई दिए थे। कृष्ण वंशी ने उन्होंने फिल्म सिंधुरम से हीरो बनाया था। वह ब्रह्मासंजी एक चरित्र कलाकार के रूप में काम करते रहे और वह समक्का और सरक्का इंस्पेक्टर काकी और आइडिया अंडारिकी और वद्दनलु अध्यक्ष और अध्यापक धूमधाम और अबो वादा जैसे कई फिल्मों में काम किया था। ब्रह्मासंजी का दावा है कि सिर्फ एक फिल्म में अभिनय के लिए चोबी और सोमायालुजु में मिले थे जो कि दोस्तों सम्मानन से वह मंत्रमुग्ध हो गए थे। उस समय ब्रह्मासंजी ने फैसला किया था कि एक दिन वह भी फिल्म में अभिनय करेंगे और जेबी सुमायालु की तरह एक महान अभिनेता बनेंगे। इस घटना से उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया गया। फिल्म की दोस्तों बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ साथ दोस्तों मैं आपको बता दें कि हमारे चैनल पे दोस्तों मात्रा मूवी रिव्यू मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ साथ दोस्तों न्यू अपकमिंग मूवी की इंफॉर्मेशन दी जाती है।
तो दोस्तों आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि दोस्तों तेलुगु भाषा की बनी फिल्म विरूपक्ष, जो कि दोस्तों यश फिल्म को तेलुगु भाषा के साथ बनाई गई है। तो दोस्तों इस फिल्म से जुड़े कुछ ऐसे न्यू स्टोरी को स्टार्ट करने जा रहे हैं, तब तक दोस्तों आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ साथ बेल आइकन प्रेस करें। फिल्म विरूपक्ष, जो कि दोस्तों 2023 की भारतीय तेलुगु भाषा की हॉरर थ्रिलर फिल्म है, जो दोस्तों जिसका डायरेक्टर कार्तिक वर्मा डांडू ने किया है, जिन्होंने दोस्तों कुमार के साथ फिल्म का सह लेखन किया था। फिल्म का निर्माण बीवीएसएन प्रसाद और सुकुमार ने क्रमश्री वेंकटेश्वर सिने चलचित्र और सुकुमार राइटिंग्स के माध्यम से किया गया था। इसमें दोस्तों सही धर्म तेज संयुक्त सुनील आयु कंकला ब्रहाजी अजय और रवि कृष्णा शामिल है। फिल्म विरूपक्ष, जो कि दोस्तों 21 अप्रैल 2023 को रिलीज हुई थी और इसे आलोचकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली है। दोस्तों फिल्म बॉक्स ऑफिस पर व्यावसायिक रूप से सफल रही और फिल्म में यह फिल्म का डायरेक्टर कार्तिक वर्मा डांडू ने किया था। फिल्म की पाठक कथा सुकुमार किया है और फिल्म की संवाद कृष्ण हरि ने संभाले थे, जबकि दोस्तों फिल्म की अभिनीति शायद हम थे संयुक्ता सुनील ब्रहाजी और राजीव पनाकला अजय रवि कृष्ण जैसे और बड़े स्टार आपको दोस्तों फिल्म में देखने को मिलेंगे। फिल्म का छायांकन समर दत्ता सैनुद्दीन ने संभाला है और फिल्म की उत्पादक कंपनी श्री वेंकटेश्वर श्री ने सिने चित्र और सुकुमार लेखन द्वारा उत्पादित किया गया था। 21 अप्रैल 2023 को रिलीज हुई फिल्म विरूपक्ष, जो कि दोस्तों यह फिल्म का रिलीज 21 अप्रैल 2023 को रिलीज किया गया था। दोस्तों इस फिल्म का रनर टाइम 1 से 46 मिनट के साथ बनाई गई है और यह फिल्म को तेलुगु भाषा के साथ भारत में रिलीज हुआ था। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 1 से 3 करोड़ की जबरदस्त कलेक्शन किया था, जो कि दोस्तों यह फिल्म कमाई के मामले में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था। अभिनेता शाह धर्म तेज की फिल्म में सूर्या के रूप में दिखाई दिए हैं और वहीं दोस्तों संयुक्ता नंदनी के रूप में हैं और सुनील एक ग्रामीण अब्बाय राजू के रोल निभाए हैं, जबकि दोस्तों हरिचंद्र प्रसाद के रूप में राजीव कनकला अपना रोल निभाए हैं। फिल्म की बात की जाए तो दोस्तों यह फिल्म का कहानी यानी संगीत दिया है, फिल्म का स्कोर साउंडट्रैक भी अजनेश लेखनाथ द्वारा रचित है, जबकि दोस्तों पहला गाना नच बुल्ले 24 मार्च 2023 को रिलीज किया गया था, जबकि दोस्तों दूसरा गाना कल्लालो 23 अप्रैल 2023 को रिलीज हुई थी। और दोस्तों फिल्म के कलात्मक रुद्रमन गांव के बाहरी हिस्से और सड़कों को तकनीकी विशाखापत्तनम जिले के अराकू और पडेरू में और उसके आसपास फिल्माया गया था, जहां दोस्तों कार्तिक वर्मा ने पाठक कथा लिखी थी और हंटेड हाउस और सम और सरपंच हाउस का सेट हैदराबाद में बनाया गया था। फिल्म की कहानी की ओर नजर डालें तो दोस्तों फिल्म में विरूपक्ष मूवी 2023 की भारतीय तेलुगु भाषा की फिल्म है, जो दोस्तों जिसका डायरेक्टर कार्तिक वर्मा डांडू ने किया, जिन्होंने सुकुमार के साथ फिल्म का लेखन किया था। वहीं दोस्तों फिल्म को कथानक यानी 1979 रुद्रामोनम में वेंकटेश चलचित्र और उनकी पत्नी पर रुद्र क्रुद्ध निवासियों द्वारा बिरहमी से हमला किया जाता है, उन्हें भगाया गया और जला दिया गया। उनका अनुमान था कि उनके भयानक अनुष्ठानों काले जादू के कारण गांव में कई मौतें हुई और मरने वाली महिला रुद्रमन को पत्रम देती है और वह बारह साल बाद गांव के विनाश की आकांक्षा जाती है। दंपति के छोटे बेटे गौरव भैरव को बाद में
सरपंच हरिचंद्र प्रसाद के आदेश पर एक अथनल में भर्ती कराया गया था, लेकिन दोस्तों 1991 में एक अलौकिक कौवे के हमले के बाद एक निवासी सैदेया के लापता होने के एक सप्ताहांत बाद अनसुयामा अपने बेटे सूर्य और भतीजे के साथ एक स्कूल में निर्माण करने के लिए अपने जमीन का एक हिस्से देने के लिए अपने गृह नगर रुद्रवनम का दौर करती है। और दोस्तों देवी मुद्दाबा के सम्मान के आयोजित गांव के वार्षिक कार्निकल में भाग लेते हैं। और दोस्तों हरिश्चंद्र प्रसाद की बेटी नंदनी के साथ सूर्या की मुलाकात के परिणाम स्वरूप प्यार हो जाता है और वह स्पष्ट रूप से प्रतिशत देती है, लेकिन दोस्तों उसके प्रस्ताव को स्वीकार करने में झिझकती है और सिद्धर्यम सिद्धे एक भयावह चेकक हो गया और मंदिर में आता है और अतरंगिक गर्भग्रहण मर जाता है, जिसके अब वित्रता मनाया जाता है और मंदिर के मुख्य पुजारी के पारंपरिक आदेश से विश्लेषण करते हुए घोषणा की देवी और उनके बच्चों ग्रामीणों को अपवित्र किया गया है। सौंदर्य की मृत्यु के साथ प्राच्य में रोकने के लिए अगले आठ दिनों के लिए गांव को आठ दिशाओं में सील करना आवश्यक है, लेकिन दोस्तों अब अवागम और निषिद्ध है, लेकिन दोस्तों और सभी धार्मिक प्रतीक को मंदिर में गृहित किया जाना चाहिए। सूर्य और उसके परिवार को बाहर जाने की अनुमति दी गई है, लेकिन दोस्तों इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वो 18 वर्षों से गांव में नहीं आए हैं और फिर भी सूर्य एक शीशी देने के लिए रुद्रवनम में पुनः प्रवेश करता है, तो दोस्तों नंदिनी को ठीक कर ले सकती है जो ऐठन से ग्रस्त है, जिसे दोस्तों वह 8 दिनों तक उस स्थान के अंतिम छोर तक जाने में असमर्थ हो जाता है। शुद्धा नंदिनी की करीबी दोस्त अपने प्रेमी कुमार के साथ भागने के लिए सीमा उल्लंघन करती है, जिसकी दुखद मौत वह देखती है और गांव लौटती है, लेकिन दोस्तों मधुमक्खी के छत्ते में चली जाती है, जिससे दोस्तों मधुमक्खियां उस पर हमला करते हैं और उसे मारने के लिए उकसाती है। शुद्धि की चुप्पी से अनजान उसके माता पिता ने अपमान के डर से उसके भागने को छुपाया और एक दूध वाले सूर्य और सूर्या की चचेरी बहन पार्वती की कथित और आत्महत्याएं सूर्या को परेशान करती है, जो दोस्तों धर्म धारणाओं का विश्वास करता है और एक आरंभी डॉक्टर के साथ हत्याओं को जांच करता है और दोस्तों एक अघोरा गांव को आने वाले खतरों से आगाह करता है और वह समझता है कि उन्हें तालाबंदी करके गलती की सूर्या ने सुधा की लाश की खोज में और कुमार की मृत्यु का पता लगाया है, लेकिन दोस्तों महसूस करते हुए कि सूर्य ने सुधा की मृत्यु देखी और पार्वती ने सूर्य को अपना गला काटते हुए देखा, जैसे सुधा ने कुमार की मृत्यु देखी और सूर्या ने निष्पष्ट कला की मृत्यु एक से दूसरे संक्रमित हो रही है और न्यूनतम संभावित शिकार का पता चलता है, लेकिन दोस्तों नंदिनी जो अंत आत्महत्या के बारे में सोचती है, लेकिन सूर्या के समय पर हस्तक्षेप से वह बच जाती है। सूर्या जलपति और उसके परिवार
से जुड़े अस्तित्व को आत्मसात करता है और आरएमपी के साथ उनके जीर्ण और आवास में घुसपैठ करता है। हाल ही में दोस्तों उससे जुड़े अतीत का आत्मसात करता है और आरएमपी के साथ उनके जीर्ण और शीर्षक आसपास में घुसपैठ करता है। हाल ही में दोस्तों उसका स्थान की यात्रा के दौरान सूर्य को फर्व पर संदेह हुआ और मुख्य रूप से पुजारी को आदेश का आकलंक किया और दोस्तों पोषण घोषण की नंदिनी की बलि देने से घटनाएं समाप्त हो जाएगी। लेकिन दोस्तों ग्रामीणों का विरोध करते हुए सूर्य ने नंदिनी को बेहोश कर दिया और 8 घंटे के भीतर समस्या का समाधान करने की कसम खाई है। वह दोस्तों गौरव के आधानालय का दौर करता है जहां दोस्तों उसे पता चलता है कि गौरव भैरव उसके संस्थापक को पग्गू बनाने के बाद फरार हो गया है। सूर्य और भैरव के ठिकाने की खोज की और प्रतिक्रिया में कुछ अघोरों का पता चल लगता है और अघोर जिनसे दिन में पहले ग्रामीणों को चेतावनी दी और एक गुफा की खोज में उसकी सहायता करता है जहां दोस्तों जादू किया गया और सूर्य ने भैरव के सम्मान को उजागर किया और जिससे उसे एक एहसास हुआ कि कुमार ही भैरव की और रुद्रमन की वास्तविक शिलालेख और जिसे एक नकली के साथ बदला दिया गया था जिसे दोस्तों वर्तमान में उपयोग किया जा रहा है। यह समझाते हुए कि एक ग्रामीण सहायता कर सकता है और वह वास्तव में कुमार को सर्प का निष्पादित करने का निर्देशक दे रहा है। सूर्य को पता चलता है कि नंदिनी का बलिदान गांव को खत्म करने के लिए एक धोखा है। लेकिन दोस्तों यह फिल्म काफी चली थी जो कि दोस्तों यह फिल्म को दर्शकों ने काफी पसंद किया था। फिल्म जो दोस्तों तेलुगु भाषा की बनी फिल्म विरूपक्ष जो कि दोस्तों इस फिल्म में अभिनेता शायद हम तेज है जो दोस्तों यह एक भारतीय अभिनेता है जो दोस्तों तेलुगु फिल्मों में काम करते हैं। अल्लू कोर और अल्लू कोरिडेला परिवार से संबंधित उन्होंने अपने अभिनय कैरियर की शुरुआत बॉक्स ऑफिस पर सफल पिल्ला नुब्बू लेनी और जीवित हम 2014 से की थी जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण के लिए सीमा पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण के लिए सिनेमा पुरस्कार मिला है। अपनी शुरुआती के बाद तेज और सुब्रमण्यम फारसेल 2015 और सुप्रीम 2016 जैसी फिल्मों में दिखाई दिए हैं जो दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और इसके बाद एक के बाद एक आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलताएं मिली और इसके बाद तेज ने सफल फिल्मों में चित्रलहरी 2019 और प्रतिरोजु पडांगे 2019 और सोले बैथु के शो बैटर 2020 और रिपब्लिक 2021 से खुद को स्थापित किया था। उनकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली रिलीज विरूपक्ष 2023 के साथ रिलीज हुई थी जो दोस्तों काफी कमाई की है। तेज ने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत 2014 में रेजिना कैसेंड्रा के साथ फिल्म पिल्ला नुबुल्लु लेनी और जीवितम से की थी जो दोस्तों यह बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा कि शायद तेज का देहाती आकर्षण और उनके कार्यों को विश्वसनीयता बनाता है। लेकिन दोस्तों अभिनेता विशेष रूप से अपने डांस मूव्स से काफी प्रभावशाली है जबकि दोस्तों डेकन क्रॉनिकल ने कहा कि शायद हंतेज ने
एक परिपक्व प्रदर्शन किया है। वह दोस्तों पूरी फिल्म में अपने प्रदर्शन से मनोरंजन करते हैं और उन्होंने यह काम काफ़ी सहजता से किया है। उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण और फिल्म फेयर के लिए सिम्मा पुरस्कार मिला है। लेकिन दोस्तों 2015 में तेजा ने दो फिल्मों में रिलीज हुई उनकी पहली फिल्म रेत थी, जिसमें उन्होंने सयामिस खेर के साथ राग का किरदार निभाया था। 123 तेलुगु ने कहा कि शायद रंतेज का शानदार प्रदर्शन इस फिल्म की प्रमुख संपत्ति है। लेकिन दोस्तों 2015 में तेज की दूसरी रिलीज सुब्रमण्यम फार सेल से की थी, जो दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और 33.95 करोड़ से अधिक की कमाई की थी। पिल्ला नुब्बु लेनी और जीवितम 2014 के बाद उन्होंने दूसरी बार रेजिना कैसेंड्रा के साथ अभिनय किया था। हालांकि दोस्तों विभिन्न आलोचकों ने इसे नियमित कहा और तेज के प्रदर्शन को बेहतर प्रदर्शन और सहज और आश्चर्यजनक बताया है। दोस्तों अगले वर्ष रिलीज हुई तेज की एक्शन कॉमेडी सुप्रीम भी आर्थिक रूप से सफल रही थी और उनकी सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक थी। सुप्रीम के बाद तेज ने 5 फिल्मों में मुख्य भूमिका में अभिनय किया है, जिनमें से दोस्तों थिक्का 2016, विनर 2017, जवान 2017 और इंटेलिजेंट 2018, तेज आई लव यू 2018 शामिल है। सुपरस्टार तेज की अपनी फिल्मों में सम्मान और नियमित कहानियों का चयन करने के लिए भी आलोचना की गई थी। चित्रलहरी उनकी 2019 की पहली रिलीज थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी। आलोचकों ने उनके प्रदर्शन की प्रशंसा की और तेज ने अपने कैरियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। टाइम्स ऑफ इंडिया ने फिल्म में विजय के किरदार को तेज के अब तक के कैरियर का सबसे सर्वश्रेष्ठ किरदार बताया है। फिल्म में उनकी भूमिका के बारे में डेकन क्रॉनिकल ने बताया कि शाहिद तेज ने अपना वजन बढ़ाया है और दाढ़ी के साथ तैयार दिखते हैं और चरित्र में फिट बैठते हैं। इसे दोस्तों भूमिका के लिए उन्हें अपनी सामूहिक छवि को पूरा तरह से अलग रख दिया है। वर्ष की उनकी अगली फिल्म प्राचीन रोजू पड़ंगे भी सफल रही थी और द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने मुरली कृष्णा CH ने फिल्म्स में अपने समीक्षक में लिखा है कि फिल्म निश्चित रूप से साई धरम तेज का कैनवास और वह तेजता के साथ अपने मन्नक और चाप पेश करते हैं। बाद में दोस्तों 2020 में उनकी फिल्म लुंगे ब्रेथ के सो बेटा को COVID-19 महामारी के बाद रिलीज हुई थी और सिनेमा घर में 50% एक्यूपेंसी की प्रतिबंधक के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी। लेकिन दोस्तों आइडल ब्रेन ने के सीवी ने तेज के प्रदर्शन की सराहना की, विशेष कर उनकी कॉमेडी टाइमिंग और फिल्म के भावनात्मक दृश्य में अभिनय की। इसके विपरीत द हिंद की वाहिनी सुनीता चौधरी ने कहा कि तेज को बेहतर स्क्रिप्ट से फायदा हो सकता था। देवकट्टा द्वारा निर्देशित अपनी अगली फिल्म रिपब्लिक 2021 में तेज के एक IAS अधिकारी की भूमिका निभाई थी। दोस्तों फिल्म जो एक राजनीतिक ड्रामा है और उनके सकारात्मक समीक्षा मिली, आलोचकों ने उनके प्रदर्शन की परिपक्व कहा था और फिल्म को दर्शकों द्वारा खूब सराहा गया था और यह हिट बन गई थी। तेलंगाना टुडे के प्रकाश पंचती ने कहा कि रिपब्लिक निश्चित रूप से शायद रामतेज के लिए एक उपलब्धि है और तेज की 15वीं फिल्म वीरपक्ष भाग बेलेनाथ
प्रसिद्ध वाले कार्तिक बर्मा डांडू द्वारा निर्देशित एक सामाजिक कल्पनिक थ्रिलर है, लेकिन दोस्तों जिसे आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली है। यह उनके कैरियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई और वह अगली बार अपने चाचा पवन कल्याण के साथ विनोदय और सिद्धम ब्रो के रीमेक में अभिनय कर रहे हैं, जिसका डायरेक्टर सम तिरकानी ने किया था, जिन्होंने दोस्तों मुल्क का भी निर्देशक किया था। यह जुलाई 2023 में रिलीज होने वाली उनकी क्रमश और नवोदित जयंत पानुंगाती और संपत नदी के साथ फिल्मों में भी साइन किया गया था। लेकिन दोस्तों सितंबर 2021 में तेज ने हैदराबाद में दुर्गम और चेरुबो ब्रिज के पास एक एकल वाहन मोटरसाइकिल की दुर्घटनाग्रस्त घायल हो गया था। उन्होंने अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बात करें दोस्तों फिल्म में सुपरस्टार अभिनेत्री संयुक्ता, जिसने पूर्व नाम संयुक्ता मेनन के नाम से भी जाना जाता है, यह एक भारतीय अभिनेत्री है जो मुख्य रूप से मलयालम, तेलुगु, तमिल फिल्मों में दिखाई देती है। उन्होंने मलयालम फिल्म पॉपकॉर्न 2016 से अभिनय की शुरुआत की थी। संयुक्ता ने थेवंडी 2018, ओरु यदन यमंदम और प्रेम कथा कल्लिक दोनों 2019 और वेलम 2021 और कुडवा 2022 सहित सफल मलयालम फिल्मों में काम किया है। विमला नायक 2022 के साथ अपने तेलुगु डेब्यू के बाद उन्होंने बिंबिसरा 2022 में एक इंस्पेक्टर वाथी 2023 में एक जीवी विज्ञान शिक्षक और विरूपक्ष 2023 में एक प्रतिशोध महिला की भूमिका निभाने के लिए प्रशंसा किया था। लेकिन दोस्तों बात की जाए संयुक्ता ने 2016 में मलयालम फिल्म काम करने से अपनी फिल्म की शुरुआत की, जहां उन्होंने फिल्म साइंस टाम चाको से प्रेम की अंजान की भूमिका निभाई। यह तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर कल्लारी में थेन मोची के रूप में दिखाई दी है। उन्होंने दोस्तों 2018 की भारतीय मलयालम भाषा की रिवेंज थ्रिलर फिल्म लिली में शीर्षक भूमिका निभाने के लिए चुना गया था, जिसकी पाठकथा और निर्देशक नवदित प्रसव विजय ने किया था। लेकिन दोस्तों 2017 के अंत में घोषित जुलाई कैटरिल में एक रोमांटिक कॉमेडी तमिल फिल्म है। यह परियोजना 2018 में रिलीज हुई थी। उनकी अगली रिलीज थी एंटी एक मलयालम भाषा के राजनीतिक वैज्ञ फिल्म थी, जो दोस्तों डेब्यूटेड फेम और फेलिनी टिप्पी द्वारा निर्देशित और बिनी विश्वलाल द्वारा लिखित थी। 2019 के संयुक्ता की पहली बार रिलीज ओरु यमंदन और प्रेम कथा थी, जो दोस्तों बीसी नेहल द्वारा निर्देशित एक विभिन्न जल और विष्णु उनके कृष्णा द्वारा लिखी थी। उन्होंने दोस्तों उयारे में टेसा के रूप में एक छोटी सी भूमिका और पदन धन की साइड की भूमिका निभाई है, जिसमें प्रवीण और प्रारंभम द्वारा निर्देशित टेविनो थमस मुख्य भूमिका थे। बाद में दोस्तों उन्होंने भीमला नायक के कास्ट किया था और जो फरवरी 2022 में रिलीज हुई थी। अगली बार 2022 में उन्होंने फिल्म गालीपत्ता 2 से कन्नड़ में अपनी शुरुआत की है। वही दोस्तों बात की जाए फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता सुनील, जो कि दोस्तों यह एक भारतीय अभिनेता है जो दोस्तों फिल्म विरूपक्ष मूवी में अभिनेता शाहिद धरव तेज के साथ दिखाई दिए हैं। सुनील जिन्हें सुनील के नाम से जाना जाता है और यह एक भारतीय अभिनेता है जो मुख्य रूप से तेलुगु फिल्म में काम करते हैं। उन्होंने दोस्तों तमिल फिल्म में भी अभिनय किया है और अपनी हास्य भूमिकाओं के लिए प्रसिद्ध सुनील ने अपने कैरियर में 180 से अधिक फिल्मों में काम किया है।
जिसमें कुछ मुख्य भूमिकाएं भी शामिल है और उन्होंने 3 राज्य नंदी पुरस्कार, 2 दक्षिण फिल्मफेयर पुरस्कार जीते हैं। सुनील ने अडंगला और रामुड्डू 2006 में मुख्य भूमिका निभाई है और उसके बाद कई तेलुगु भाषा की फिल्मों में अभिनय किया है, जिसमें मर्यादा और रमन्ना 2010, पुल्ला और रंगाडू 2012 और तदंखा 2013 जैसी व्यावसायिक सफलताएं शामिल है। सुनील ने इनके अभिनय करियर की शुरुआत यानी दोस्तों 2010 में सुनील ने SS राजमौली द्वारा निर्देशित मर्यादा और रमन्ना में अभिनय किया था। लेकिन दोस्तों जो व्यावसायिक रूप से सफल रही और सिफी के एक समीक्षक ने कहा कि सुनील अब एक कॉमेडी हीरो की तरह नहीं दिखेंगे। उनके नेतृत्व बेहद शानदार है और इसके बाद सुनील को वीरभद्रम और चौधरी द्वारा निर्देशित पुल्ला रंगाडू में मुख्य भूमिका के लिए चुना गया था, जो दोस्तों दुनिया भर के 450 सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म को सकारात्मक समीक्षा मिली है। उदाहरण वाचित वह फिल्म कलर फोटो 2020 में खलनायक थे और जिसे उन्होंने आलोचनात्मक प्रशंसा मिली है। 2021 में दोस्तों फिल्म पुष्पा द राइज में सुनील को एक गंभीर गैंगस्टर मंगल सिन्हू और असामान्य की भूमिका में देखा गया था, जो दोस्तों उनके द्वारा आमतौर पर ही निभाई जाने वाली कॉमेडी भूमिकाओं से बहुत अलग है। और फिल्म की सफलता के बाद उन्होंने नकारात्मक भूमिका निभाने के लिए कई प्रस्ताव मिले थे। और दोस्तों उन्होंने 2023 में माबीरन 2023 के साथ तमिल में अपनी शुरुआत किया था। लेकिन दोस्तों बात की जाए फिल्म तेरो पक्ष में अभिनेता ब्रह्मासंजी, जो कि दोस्तों यह एक भारतीय अभिनेता है जो दोस्तों तेलुगु फिल्म में काम करते हैं। तेलुगु मूवी में काम करने वाले अभिनेता ब्रह्मासंजी जो यह एक भारतीय अभिनेता है जिन्होंने तेलुगु सिनेमा में काम करते हैं और यह निर्देशक कृष्णा वंशी के फिल्मों में नियमित अभिनेता हैं। और बतौर निर्देशक कृष्णा वंशी की पहली फिल्म गुलाबी में ब्रह्मासंजी अहम भूमिका में दिखे थे। वह कृष्णा वंशी की दूसरी फिल्म निन्ने पेल्लाडाटा में दिखाई दिए थे। कृष्णा वंशी ने उन्होंने फिल्म सिंधुरम से हीरो बनाया था। वह ब्रह्मासंजी एक चरित्र कलाकार के रूप में काम करते रहे और वह समक्का और सरक्का, इंस्पेक्टर काकी और आइडिया अंडारिकी और वद्दनलु अध्यक्ष और अध्यापक धूमधाम और ओबो वादा जैसे कई फिल्मों में काम किया था। ब्रह्मासंजी का दावा है कि सिर्फ एक फिल्म में अभिनय के लिए चोबी और सोमायालुजु में मिले थे, जो कि दोस्तों सम्मानन से वह मंत्रमुग्ध हो गए थे। उस समय ब्रह्मासंजी ने फैसला किया था कि एक दिन वह भी फिल्म में अभिनय करेंगे और जेबी सोमायालु की तरह एक महान अभिनेता बनेंगे। इस घटना से उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया गया था और इंटरमीडिएट के बाद ब्रह्मासंजी अपने अभिनय के सपनों को पूरा करने के लिए मद्रास चले गए थे। अब 3 दशकों के अभी अधिक तो मात्रा मूवी रिव्यू, मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ साथ दोस्तों न्यू अपकमिंग मूवी की इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो दोस्तों आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि दोस्तों तेलुगु भाषा की बनी फिल्म वीरपक्ष, जो कि दोस्तों यश फिल्म को तेलुगु भाषा के साथ बनाई गई है। तो दोस्तों इस फिल्म से जुड़े कुछ ऐसे न्यू स्टोरी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तब तक दोस्तों आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ साथ बेल आइकन प्रेस करें।
फिल्म विरूपक्ष जो कि दोस्तों 2023 की भारतीय तेलुगु भाषा की हर थ्रिलर फिल्म है जो दोस्तों जिसका डायरेक्टर कार्तिक वर्मा डांटू ने किया है, जिन्होंने दोस्तों कुमार के साथ फिल्म का संलेखन किया था। फिल्म का निर्माण बीवीएसएन प्रसाद और सुकुमार ने क्रमश्री वेंकटेश्वर सिने चलचित्र और सुकुमार राइटिंग्स के माध्यम से किया गया था। इसमें दोस्तों सही धर्म तेज संयुक्त सुनील राजू कंकला ब्रहाजी अजय और रवि कृष्णा शामिल हैं। फिल्म विरूपक्ष जो कि दोस्तों 21 अप्रैल 2023 को रिलीज हुई थी और इसे आलोचकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली है। दोस्तों फिल्म बॉक्स ऑफिस पर व्यावसायिक रूप से सफल रही और फिल्म में यह फिल्म का डायरेक्टर कार्तिक वर्मा डांडू ने किया था। फिल्म की पाठक कथा सुकुमार किया है और फिल्म की संवाद कृष्ण हरि ने संभाले थे, जबकि दोस्तों फिल्म की अभिनीति साई धर्म तेज संयुक्ता सुनील ब्रहाजी और राजीव पनाकला अजय रवि कृष्णा जैसे और बड़े स्टार आपको दोस्तों फिल्म में देखने को मिलेंगे। फिल्म का छायांकन समर दत्ता सैनुद्दीन ने संभाला है और फिल्म की उत्पादक कंपनी श्री वेंकटेश्वर सिने ने सिने चित्र और सुकुमार लेखन द्वारा उत्पादित किया गया था। 21 अप्रैल 2023 को रिलीज हुई फिल्म विरूपक्ष जो कि दोस्तों यह फिल्म का रिलीज 21 अप्रैल 2023 को रिलीज किया गया था। दोस्तों इस फिल्म का रनर टाइम 146 मिनट के साथ बनाई गई है और यह फिल्म को तेलुगु भाषा के साथ भारत में रिलीज हुआ था। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 103 करोड़ की जबरदस्त कलेक्शन किया था जो कि दोस्तों यह फिल्म कमाई के मामले में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था। अभिनेता साई धर्म तेज की फिल्म में सूर्या के रूप में दिखाई दिए हैं और वहीं दोस्तों संयुक्ता नंदनी के रूप में हैं और सुनील एक ग्रामीण अब्बाई राजू के रोल निभाए हैं, जबकि दोस्तों हरिचंद्र प्रसाद के रूप में राजीव कनकला अपना रोल निभाए हैं। फिल्म की बात की है तो दोस्तों यह फिल्म का कहानी यानी संगीत दिया है, फिल्म का इसको साउंडट्रैक भी अजनेश लेखनाथ द्वारा रचित है, जबकि दोस्तों पहला गाना नच बुल्ले 24 मार्च 2023 को रिलीज किया गया था, जबकि दोस्तों दूसरा गाना कलालो 23 अप्रैल 2023 को रिलीज हुई थी। और दोस्तों फिल्म के कलात्मक रुद्रमन गांव के बाहरी हिस्से और सड़कों को तकनीकी विशाखापत्तनम जिले के आराकू और पडेरू में और उसके आसपास फिल्माया गया था, जहां दोस्तों कार्तिक वर्मा ने पाठक कथा लिखी थी और हंटेड हाउस और सम और सरपंच हाउस का सेट हैदराबाद में बनाया गया था। फिल्म की कहानी की ओर नजर डालें तो दोस्तों फिल्म में विरूपक्ष मूवी 2023 की भारतीय तेलुगु भाषा की फिल्म है जो दोस्तों जिसका डायरेक्टर कार्तिक वर्मा डांडू ने किया, जिन्होंने सुकुमार के साथ फिल्म का लेखन किया था। वहीं दोस्तों फिल्म को कथानक यानी 1979 रुद्रमनम में वेंकटेश चलचित्र और उनकी पत्नी पर क्रुद्ध निवासियों द्वारा बेरहमी से हमला किया जाता है, उन्हें भगाया गया और जला दिया गया। उनका अनुमान था कि उनके भयानक अनुष्ठानों काले जादू के कारण गांव में कई मौतें हुई और मरने वाली महिला रुद्रमन को पत्रम देती है और वह बड़ा साल बाद गांव के विनाश की आकांक्षा जाती है। दंपति के छोटे बेटे भैरव को बाद में सरपंच हरिचंद्र प्रसाद के आदेश पर एक अथनल्यालय में भर्ती कराया गया था, लेकिन दोस्तों 1991 में एक अलौकिक कौवे के हमले के बाद एक निवासी सैदेया के लापता होने के एक सप्ताह बाद
अनुसुईया माँ अपने बेटे सूर्य और भतीजे के साथ एक स्कूल में निर्माण करने के लिए अपने जमीन का एक हिस्से देने के लिए अपने गृह नगर रुद्रवनम का दौर करती है। और दोस्तों, देवी मुद्दाबा के सम्मान के आयोजित गांव के वार्षिक कार्निकल में भाग लेते हैं। और दोस्तों, हरिश्चंद्र प्रसाद की बेटी नंदनी के साथ सूर्या की मुलाकात के परिणाम स्वरूप प्यार हो जाता है और वह स्पष्ट रूप से प्रतिसाद देती है, लेकिन दोस्तों उसके प्रस्ताव को स्वीकार करने में झिझकती है और सिद्धर्यम सिद्धे एक भयावह चेकक हो गया और मंदिर में आता है और अतरंगिक गर्भग्रहण मर जाता है, जिसके अब वित्रता मनाया जाता है और मंदिर के मुख्य पुजारी के पारंपरिक आदेश से विश्लेषण करते हुए घोषणा की देवी और उनके बच्चों ग्रामीणों को अपवित्र किया गया है। सौंदर्य की मृत्यु के साथ प्राच्य में रोकने के लिए अगले आठ दिनों के लिए गांव को आठ दिशाओं में सील करना आवश्यक है, लेकिन दोस्तों अवागम और निषिद्ध है, लेकिन दोस्तों और सभी धार्मिक प्रति को मंदिर में गृहित किया जाना चाहिए। सूर्य और उसके परिवार को बाहर जाने की अनुमति दी गई है, लेकिन दोस्तों इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वो 18 वर्षों से गांव में नहीं आए हैं और फिर भी सूर्य एक शीशी देने के लिए रुद्रवनम में पुनः प्रवेश करता है, तो दोस्तों नंदिनी को ठीक कर ले सकती है जो ऐठन से ग्रस्त है, जिसे दोस्तों वह 8 दिनों तक उस स्थान के अंतिम छोर तक जाने में असमर्थ हो जाता है। शुद्धा नंदिनी की करीबी दोस्त अपने प्रेमी कुमार के साथ भागने के लिए सीमा उल्लंघन करती है, जिसकी दुखद मौत वह देखती है और गांव लौटती है, लेकिन दोस्तों मधुमुखी के छत्ते में चली जाती है, जिससे दोस्तों मधुमक्खियां उस पर हमला करते हैं और उसे मारने के लिए उकसाती है। शुद्धि की चुप्पी से अनजान उसके माता पिता ने अपमान के डर से उसके भागने को छुपाया और एक दूध वाले सूर्य और सूर्या की चचेरी बहन पार्वती की कथित और आत्महत्याएं सूर्य को परेशान करती है, जो दोस्तों धर्म धरनाओं का विश्वास करता है और एक आरामपी डॉक्टर के साथ हत्याओं को जांच करता है। और दोस्तों एक अघोरा गांव को आने वाले खतरों से आगाह करता है और वह समझता है कि उन्हें तालाबंदी करके गलती की सूर्य ने सुधा की लाश की खोज में और कुमार की मृत्यु का पता लगाया है, लेकिन दोस्तों महसूस करते हुए कि सूर्य ने सुधा की मृत्यु देखी और पार्वती ने सूर्य को अपना गला काटते हुए देखा, जैसे सुधा ने कुमार की मृत्यु देखी और सूर्य ने निष्पष्ट कला की मृत्यु एक से दूसरे संक्रमित हो रही है और न्यूनतम संभावित शिकार का पता चलता है, लेकिन दोस्तों नंदिनी जो अंत आत्महत्या के बारे में सोचती है, लेकिन सूर्य के समय पर हस्तक्षेप से वह बच जाती है। सूर्य चालपति और उसके परिवार से जुड़े अस्तित्व को आत्मसात करता है और आरएमपी के साथ उनके जीर्ण और आवास में घुसपैठ करता है। हाल ही में दोस्तों उससे जुड़े अतीत का आत्मसात करता है और
आरएमपी के साथ उनके जीर्ण अवशेष आसपास में घुसपैठ करता है। हाल ही में दोस्तों उसका स्थान की यात्रा के दौरान सूर्य को भर्व पर संदेह हुआ और मुख्य रूप से पुजारी को आदेश का आकलंक किया और दोस्तों पोषण घोषण की नंदिनी की बलि देने से घटनाएं समाप्त हो जाएगी। लेकिन दोस्तों ग्रामीणों का विरोध करते हुए सूर्य ने नंदिनी को बेहोश कर दिया और 8 घंटे के भीतर समस्या का समाधान करने की कसम खाई है। वह दोस्तों गौरव के आधानालय का दौर करता है जहां दोस्तों उसे पता चलता है कि गौरव भैरव उसके संस्थापक को पग्गू बनाने के बाद फरार हो गया है। सूर्य और भैरव के ठिकाने की खोज की और प्रतिक्रिया में कुछ अघोरों का पता चल लगता है और अघोर जिनसे दिन में पहले ग्रामीणों को चेतावनी दी और एक गुफा की खोज में उसकी सहायता करता है जहां दोस्तों जादू किया गया और सूर्य ने भैरव के सम्मान को उजागर किया और जिससे उसे एक एहसास हुआ कि कुमार ही भैरव की और रुद्रमन की वास्तविक शिलालेख और जिसे एक नकली के साथ बदला दिया गया था जिसे दोस्तों वर्तमान में उपयोग किया जा रहा है। यह समझाते हुए कि एक ग्रामीण सहायता कर सकता है और वह वास्तव में कुमार को सर्प का निष्पादित करने का निर्देशक दे रहा है। सूर्य को पता चलता है कि नंदिनी का बलिदान गांव को खत्म करने के लिए एक धोखा है। लेकिन दोस्तों यह फिल्म काफी चली थी जो कि दोस्तों यह फिल्म को दर्शकों ने काफी पसंद किया था। फिल्म जो दोस्तों तेलुगु भाषा की बनी फिल्म विरूपक्ष जो कि दोस्तों इस फिल्म में अभिनेता शायद हमतेज है जो दोस्तों यह एक भारतीय अभिनेता है जो दोस्तों तेलुगु फिल्मों में काम करते हैं। अल्लू को और अल्लू कोनिडेला परिवार से संबंधित उन्होंने अपने अभिनय कैरियर की शुरुआत बॉक्स ऑफिस पर सफल पिल्ला नुब्बू लेनी और जीवित हम 2014 से की थी जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण के लिए सीमा पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण के लिए सिनेमा पुरस्कार मिला है। अपनी शुरुआती के बाद तेज और सुब्रमण्यम फारसेल 2015 और सुप्रीम 2016 जैसी फिल्मों में दिखाई दिए हैं जो दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और इसके बाद एक के बाद एक आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलताएं मिली और इसके बाद तेज ने सफल फिल्मों में चित्रलहरी 2019 और प्रतिरोजु पडांगे 2019 और सोले ब्रेथु के शो बैटर 2020 और रिपब्लिक 2021 से खुद को स्थापित किया था। उनकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली रिलीज विरूपाक्ष 2023 के साथ रिलीज हुई थी जो दोस्तों काफी कमाई की है। तेज ने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत 2014 में रेजिना कैसेंड्रा के साथ फिल्म पिल्ला नुबुल्लु लेनी और जीवितम से की थी जो दोस्तों यह बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा कि शायद तेज का देहाती आकर्षण और उनके कार्यों को विश्वसनीयता बनाता है। लेकिन दोस्तों अभिनेता विशेष रूप से अपने डांस मूव्स से काफी प्रभावशाली है जबकि दोस्तों डेकन क्रॉनिकल ने कहा कि शायद हंतेज ने एक परिपक्व प्रदर्शन किया है। वह दोस्तों पूरी फिल्मों में अपने प्रदर्शन से मनोरंजक करते हैं और उन्होंने यह काम काफी सहजता से किया है। उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण और फिल्म फेयर के लिए सीमा पुरस्कार मिला है। लेकिन दोस्तों 2015 में तेजा ने
दो फिल्मों में रिलीज हुई उनकी पहली फिल्म रे थी, जिसमें उन्होंने सयामिस खेर के साथ राग का किरदार निभाया था। 123 तेलुगु ने कहा कि शायद रमतेज का शानदार प्रदर्शन इस फिल्म की प्रमुख संपत्ति है, लेकिन दोस्तों 2015 में तेज की दूसरी रिलीज ब्राह्मण्यम फार सेल से की थी, जो दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और 33.95 करोड़ से अधिक की कमाई की थी। पिल्ला नुब्बू लेनी और जीवितम 2014 के बाद उन्होंने दूसरी बार रेजिना कैसेंड्रा के साथ अभिनय किया था। हालांकि दोस्तों विभिन्न आलोचकों ने इसे नियमित कहा और तेज के प्रदर्शन को बेहतर प्रदर्शन और सहज और आश्चर्यजनक बताया है। दोस्तों अगले वर्ष रिलीज हुई तेज की एक्शन कॉमेडी सुप्रीम थी। सुप्रीम भी आर्थिक रूप से सफल रही थी और उनकी सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक थी। सुप्रीम के बाद तेज ने 5 फिल्मों में मुख्य भूमिका में अभिनय किया है, जिनमें से दोस्तों थिक्का 2016, बिना 2017, जवान 2017 और इंटेलिजेंट 2018, तेज आई लव यू 2018 शामिल है। सुपरस्टार तेज की अपनी फिल्मों में सम्मान और नियमित कहानियों का चयन करने के लिए भी आलोचना की गई थी। चित्रलहरी उनकी 2019 की पहली रिलीज थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी। आलोचकों ने उनके प्रदर्शन की प्रशंसा की और तेज ने अपने कैरियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। टाइम्स ऑफ इंडिया ने फिल्म में विजय के किरदार को तेज के अब तक के कैरियर का सबसे सर्वश्रेष्ठ किरदार बताया है। फिल्म में उनकी भूमिका के बारे में डेकन क्रॉनिकल ने बताया कि शाहिद तेज ने अपना वजन बढ़ाया है और दाढ़ी के साथ तैयार दिखते हैं और चरित्र में फिट बैठते हैं। इसे दोस्तों भूमिका में भूमिका के लिए उन्हें अपनी सामूहिक छवि को पूरा तरह से अलग रख दिया है। वर्ष की उनकी अगली फिल्म प्राचीन रोजू पड़ंगे भी सफल रही थी और द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने मुरली कृष्णा CH ने फिल्म में अपने समीक्षक ने लिखा है कि फिल्म निश्चित रूप से साई धरम तेज का कैनवास और वह तेजता के साथ अपने मन्नक और चाप पेश करते हैं। बाद में दोस्तों 2020 में उनकी फिल्म लुंगे बैथ के सो बेटा को COVID-19 महामारी के बाद रिलीज हुई थी और सिनेमा घर में 50% एक्यूपियंसी की प्रतिबंधक के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी। लेकिन दोस्तों आइडल ब्रेन ने के सीवी ने तेज के प्रदर्शन की सराहना ही, विशेष कर उनकी कॉमेडी टाइमिंग और फिल्म के भावनात्मक दृश्य में अभिनय की। इसके विपरीत द हिंद की वाहाई सुनीता चौधरी ने कहा कि तेज को बेहतर स्क्रिप्ट से फायदा हो सकता था। देवकट्टा द्वारा निर्देशित अपनी अगली फिल्म रिपब्लिक 2021 में तेज के एक IAS अधिकारी की भूमिका निभाई थी। दोस्तों फिल्म जो एक राजनीतिक ड्रामा है और उनके सकारात्मक समीक्षा मिली, आलोचकों ने उनके प्रदर्शन की परिपक्व कहा था और फिल्म को दर्शकों द्वारा खूब सराहा गया था और यह हिट बन गई थी। तेलंगाना टुडे के प्रकाश पंचती ने कहा कि रिपब्लिक निश्चित रूप से शायद रमतेज के लिए एक उपलब्धि है और तेज की 15वीं फिल्म विरूपक्ष भाग बेलेना प्रसिद्ध वाले कार्तिक वर्मा डांडू द्वारा निर्देशित एक सामाजिक काल्पनिक फिल्म है, लेकिन दोस्तों जिसे आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली है। यह उनके कैरियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई और वह अगली बार अपने चाचा पवन कल्याण के साथ विनोदय
और सिथम ब्रो के रीमेक में अभिनय कर रहे हैं, जिसका डायरेक्टर सलमान तिरकानी ने किया था, जिन्होंने दोस्तों मुल्क का भी निर्देशक किया था। यह जुलाई 2023 में रिलीज होने वाली उनकी क्रमश और नवोदित जयंत पानुगाती और संपत नदी के स्नाच फिल्मों में भी साइन किया गया था। लेकिन दोस्तों सितंबर 2021 में तेज ने हैदराबाद में दुर्गम और चेरुबो ब्रिज के पास एक एकल वाहन मोटरसाइकिल की दुर्घटनाग्रस्त घायल हो गया था। उन्होंने अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बात करें दोस्तों फिल्म में सुपरस्टार अभिनेत्री संयुक्ता, जिसने पूर्व नाम संयुक्ता मेनन के नाम से भी जाना जाता है, यह एक भारतीय अभिनेत्री है जो मुख्य रूप से मलयालम, तेलुगु, तमिल फिल्मों में दिखाई देती है। उन्होंने मलयालम फिल्म पॉपकॉर्न 2016 से अभिनय की शुरुआत की थी। संयुक्ता ने थेवंडी 2018, ओरू यदन यमंदन और प्रेम कथा कल्लिक दोनों 2019 और वेलम 2021 और कुडवा 2022 सहित सफल मलयालम फिल्मों में काम किया है। विमला नायक 2022 के साथ अपने तेलुगु डेब्यू के बाद उन्होंने बिम्बिसरा 2022 में एक इंस्पेक्टर वाथी 2023 में एक जीवी विज्ञान शिक्षक और विरूपक्ष 2023 में एक प्रतिशोध महिला की भूमिका निभाने के लिए प्रशंसा किया था। लेकिन दोस्तों बात की जाए संयुक्ता ने 2016 में मलयालम फिल्म पाप करने से अपनी फिल्म की शुरुआत की, जहां उन्होंने फिल्म साइंस टाम चाको से प्रेम की अंजान की भूमिका निभाई। यह तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर कल्लारे में थेन मोची के रूप में दिखाई दी है। उन्होंने दोस्तों 2018 की भारतीय मलयालम भाषा की रिवेंज थ्रिलर फिल्म लिली में शीर्षक भूमिका निभाने के लिए चुना गया था, जिसकी पाठकथा और निर्देशक नवोदित प्रसभ विजय ने किया था। लेकिन दोस्तों 2017 के अंत में घोषित जुलाई कैटरिल में एक रोमांटिक कॉमेडी तमिल फिल्म है। यह परियोजना 2018 में रिलीज हुई थी। उनकी अगली रिलीज थी एंटी एक मलयालम भाषा के राजनीतिक वैज्ञ फिल्म थी, जो दोस्तों डेब्यूटेड फेम और फेलिनी टिप्पी द्वारा निर्देशित और बिनी विश्वलाल द्वारा लिखित थी। 2019 के संयुक्ता की पहली बार रिलीज ओरू यमंदन और प्रेम कथा थी, जो दोस्तों बीसी नेपाल द्वारा निर्देशित एक विभिन्न जल और विष्णु उनके कृष्णा द्वारा लिखी थी। उन्होंने दोस्तों उयारे में टेसा के रूप में एक छोटी सी भूमिका और पदन की साइड की भूमिका निभाई है, जिसमें प्रवीण और प्रारंभम द्वारा निर्देशित टेविनो थमस मुख्य भूमिका थे। बाद में दोस्तों उन्होंने भीमला नायक के कास्ट किया था और जो फरवरी 2022 में रिलीज हुई थी। अगली बार 2022 में उन्होंने फिल्म गाली पत्ता 2 से कन्नड़ में अपनी शुरुआत की है। वही दोस्तों बात की जाए फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता सुनील, जो कि दोस्तों यह एक भारतीय अभिनेता है जो दोस्तों फिल्म विरूपक्ष मूवी में अभिनेता शाहिद धरब तेज के साथ दिखाई दिए हैं। सुनील जिन्हें सुनील के नाम से जाना जाता है और यह एक भारतीय अभिनेता है जो मुख्य रूप से तेलुगु फिल्मों में काम करते हैं। उन्होंने दोस्तों तमिल फिल्म में भी अभिनय किया है और अपनी हास्य भूमिकाओं के लिए प्रसिद्ध सुनील ने अपने कैरियर में 180 से अधिक फिल्मों में काम किया है, जिसमें कुछ मुख्य भूमिकाएं भी शामिल है और उन्होंने 3 राज्य नदी पुरस्कार, 2 दक्षिण फिल्मफेयर पुरस्कार जीते हैं। सुनील ने अडंगला और रामुड्डू 2006 में मुख्य भूमिका निभाई है और उसके बाद कई तेलुगु भाषा की फिल्मों में अभिनय किया है, जिसमें
मर्यादा और रमन्ना 2010, पुल्ला और रंगाडू 2012 और तदंखा 2013 जैसी व्यावसायिक सफलताएं शामिल है। सुनील ने इनके अभिनय कैरियर की शुरुआत यानी दोस्तों 2010 में सुनील ने एसएस राजमौली द्वारा निर्देशित मर्यादा और रमन्ना में अभिनय किया था। लेकिन दोस्तों जो व्यावसायिक रूप से सफल रही और सिफी के एक समीक्षक ने कहा कि सुनील अब एक कॉमेडी हीरो की तरह नहीं दिखेंगे। उनके नेतृत्व बेहद शानदार है और इसके बाद सुनील को वीरभद्रम और चौधरी द्वारा निर्देशित पुल्ला रंगाडू में मुख्य भूमिका के लिए चुना गया था। जो दोस्तों दुनिया भर के 450 सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी फिल्म को सकारात्मक समीक्षा मिली है। उदाहरण वर्षित वह फिल्म कलर फोटो 2020 में खलनायक थे और जिसे उन्होंने आलोचनात्मक प्रशंसा मिली है। 2021 में दोस्तों फिल्म पुष्पा द राइज में सुनील को एक गंभीर गैंगस्टर मंगल सिन्हू और असामान्य की भूमिका में देखा गया था। जो दोस्तों उनके द्वारा आमतौर पर भी निभाई जाने वाली कॉमेडी भूमिकाओं से बहुत अलग है और फिल्म की सफलता के बाद उन्होंने नकारात्मक भूमिका निभाने के लिए कई प्रस्ताव मिले थे। और दोस्तों उन्होंने 2023 में मावीरन 2023 के साथ तमिल में अपनी शुरुआत किया था। लेकिन दोस्तों बात की जाए फिल्म पेरो पक्ष में अभिनेता ब्रह्मासंजी जो कि दोस्तों यह एक भारतीय अभिनेता है जो दोस्तों तेलुगु फिल्म में काम करते हैं। तेलुगु मूवी में काम करने वाले अभिनेता ब्रह्मासंजी जो यह एक भारतीय अभिनेता है जिन्होंने तेलुगु सिनेमा में काम करते हैं और यह निर्देशक कृष्ण वंशी के फिल्मों में नियमित अभिनेता है और बतौर निर्देशक कृष्ण वंशी की पहली फिल्म गुलाबी में ब्रह्मासंजी अहम भूमिका में दिखे थे। वह कृष्ण वंशी की दूसरी फिल्म निन्ने पेल्लाडाटा में दिखाई दिए थे। कृष्ण वंशी ने उन्होंने फिल्म सिंधुरम से हीरो बनाया था। वह ब्रह्मासंजी एक चरित्र कलाकार के रूप में काम करते रहे और वह समक्का और सरक्का इंस्पेक्टर काकी और आइडिया अंडारिकी और वद्दनलु अध्यक्ष और अध्यापक धूमधाम और अबो वादा जैसे कई फिल्मों में काम किया था। ब्रह्मासंजी का दावा है कि सिर्फ एक फिल्म में अभिनय के लिए चोबी और सोमायालुजु में मिले थे जो कि दोस्तों सम्मानन से वह मंत्र मुक्त हो गए थे। उस समय ब्रह्मासंजी ने फैसला किया था कि एक दिन वह भी फिल्म में अभिनय करेंगे और जेबी सुमायालु की तरह एक महान अभिनेता बनेंगे। इस घटना से उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया गया था। और इंटरमीडिएट दोस्तों मैं आपको बता दें कि हमारे चैनल पे दोस्तों मात्रा मूवी रिव्यू, मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ साथ दोस्तों न्यू अपकमिंग मूवी की इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो दोस्तों आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा क्योंकि दोस्तों तेलुगु भाषा की बनी फिल्म वीरपक्ष जो कि दोस्तों यश फिल्म को तेलुगु भाषा के साथ बनाई गई है। तो दोस्तों इस फिल्म से जुड़े कुछ ऐसे न्यू स्टोरी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तब तक दोस्तों आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ साथ बेल आइकन प्रेस करें। फिल्म वीरपक्ष जो कि दोस्तों 2023 की भारतीय तेलुगु भाषा की हर्र थ्रिलर फिल्म है जो दोस्तों जिसका डायरेक्टर कार्तिक वर्मा डांटू ने किया है, जिन्होंने दोस्तों कुमार के साथ फिल्म का सहलेखन किया था। फिल्म का निर्माण बीवीएसएन प्रसाद और सुकुमार ने क्रमश्री वेंकटेश्वर सिने चलचित्र और सुकुमार राइटिंग्स के माध्यम से किया गया था। इसमें दोस्तों सही धर्म तेज
संयुक्त सुनील राजू कंकला ब्रहाजी अजय और रवि कृष्णा शामिल हैं। फिल्म निरपक्ष जो कि दोस्तों 21 अप्रैल 2023 को रिलीज हुई थी और इसे आलोचकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली है। दोस्तों फिल्म बॉक्स ऑफिस पर व्यावसायिक रूप से सफल रही और फिल्म में यह फिल्म का डायरेक्टर कार्तिक वर्मा डांडू ने किया था। फिल्म की पटकथा सुकुमार किया है और फिल्म की संवाद कृष्ण हरि ने संभाले थे, जबकि दोस्तों फिल्म की अभिनेत्री साई धरम तेज, संयुक्ता सुनील ब्रहाजी और राजीव पनाकला, अजय रवि कृष्णा जैसे और बड़े स्टार आपको दोस्तों फिल्म में देखने को मिलेंगे। फिल्म का छायांकन समर दत्ता सैनुद्दीन ने संभाला है और फिल्म की उत्पादक कंपनी श्री वेंकटेश्वर श्री ने सिने चित्र और सुकुमार लेखन द्वारा उत्पादित किया गया था। 21 अप्रैल 2023 को रिलीज हुई फिल्म विपक्ष जो कि दोस्तों यह फिल्म का रिलीज 21 अप्रैल 2023 को रिलीज किया गया था। दोस्तों इस फिल्म का रन टाइम 146 मिनट के साथ बनाई गई है और यह फिल्म को तेलुगु भाषा के साथ भारत में रिलीज हुआ था। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 103 करोड़ की जबरदस्त कलेक्शन किया था, जो कि दोस्तों यह फिल्म कमाई के मामले में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था। अभिनेता साई धरम तेज की फिल्म में सूर्या के रूप में दिखाई दिए हैं और वहीं दोस्तों संयुक्ता नंदनी के रूप में हैं और सुनील एक ग्रामीण अब्बाय राजू के रोल निभाए हैं, जबकि दोस्तों हरिचंद्र प्रसाद के रूप में राजीव कनकला अपना रोल निभाए हैं। फिल्म की बात की जाए तो दोस्तों यह फिल्म का कहानी यानी संगीत दिया है, फिल्म का स्कोर साउंडट्रैक भी अजनेश लेखनाथ द्वारा रचित है, जबकि दोस्तों पहला गाना नच बुल्ले 24 मार्च 2023 को रिलीज किया गया था, जबकि दोस्तों दूसरा गाना कल्लालो 23 अप्रैल 2023 को रिलीज हुई थी। और दोस्तों फिल्म के कल्लापनिक रुद्रमन गांव के बाहरी हिस्से और सड़कों को तकनीकी विशाखापत्तनम जिले के अराकू और पडेरू में और उसके आसपास फिल्माया गया था, जहां दोस्तों कार्तिक वर्मा ने पाठक कथा लिखी थी और हंटेड हाउस और सम और सरपंच हाउस का सेट हैदराबाद में बनाया गया था। फिल्म की कहानी की ओर नज़र डालें तो दोस्तों फिल्म में विरूपक्ष मूवी 2023 की भारतीय तेलुगु भाषा की फिल्म है, जो दोस्तों जिसका डायरेक्टर कार्तिक वर्मा डांडू ने किया, जिन्होंने सुकुमार के साथ फिल्म का लेखन किया था। वहीं दोस्तों फिल्म को कथानक यानी 1979 रुद्रमनम में वेंकटेश चलचित्र और उनकी पत्नी पर क्रुद्ध निवासियों द्वारा बेरहमी से हमला किया जाता है, उन्हें भगाया गया और जला दिया गया। उनका अनुमान था कि उनके भयानक अनुष्ठानों काले जादू के कारण गांव में कई मौतें हुई और मरने वाली महिला रुद्रमन को पत्रम देती है और वह बारह साल बाद गांव के विनाश की आकांक्षा जाती है। दंपति के छोटे बेटे भैरव को बाद में सरपंच हरिचंद्र प्रसाद के आदेश पर एक अथनल में भर्ती कराया गया था, लेकिन दोस्तों 1991 में एक अलौकिक कौवे के हमले के बाद एक निवासी सैदेया के लापता होने के एक सप्ताहांत बाद अनसुयामा अपने बेटे सूर्य और भतीजे के साथ एक स्कूल में निर्माण करने के लिए अपने जमीन का एक हिस्से देने के लिए अपने गृह नगर रुद्रवनम का दौरा करती है और दोस्तों देवी मुद्दाबा के सम्मान के आयोजित गांव के वार्षिक कार्निकल में भाग लेते हैं। और दोस्तों हरिचंद्र प्रसाद की बेटी नंदनी के साथ सूर्या की मुलाकात के परिणाम स्वरूप प्यार हो जाता है।
और वह स्पष्ट रूप से प्रतिशत देती है, लेकिन दोस्तों उसके प्रस्ताव को स्वीकार करने में झिझकती है। और सिद्धर्यम सिद्धे एक भयावह चेकक हो गया और मंदिर में आता है और अत्यंतिक गर्भग्रहण मर जाता है, जिसके अब वित्रता मनाया जाता है। और मंदिर के मुख्य पुजारी के पारंपरिक आदेश से विश्लेषण करते हुए घोषणा की देवी और उनके बच्चों ग्रामीणों को अपवित्र किया गया है। सौंदर्य की मृत्यु के साथ प्राच्य मृत्यु के साथ प्राच्य में रोकने के लिए अगले आठ दिनों के लिए गांव को आठ दिशाओं में सील करना आवश्यक है। लेकिन दोस्तों अब अवागम और निषिद्ध है। लेकिन दोस्तों और सभी धार्मिक प्रति को मंदिर में गृहित किया जाना चाहिए। सूर्य और उसके परिवार को बाहर जाने की अनुमति दी गई है, लेकिन दोस्तों इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वो 18 वर्षों से गांव में नहीं आए हैं और फिर भी सूर्य एक शीशी देने के लिए रुद्रवनम में पुनः प्रवेश करता है, जो दोस्तों नंदिनी को ठीक कर ले सकती है, जो ऐठन से ग्रस्त है, जिसे दोस्तों वह 8 दिनों तक उस स्थान के अंतिम छोर तक जाने में असमर्थ हो जाता है। शुद्धा नंदिनी की करीबी दोस्त अपने प्रेमी कुमार के साथ भागने के लिए सीमा उल्लंघन करती है, जिसकी दुखद मौत वह देखती है और गांव लौटती है। लेकिन दोस्तों मधुमुखी के छत्ते में चली जाती है, जिससे दोस्तों मधुमक्खियां उस पर हमला करते हैं और उसे मारने के लिए उकसाती है। शुद्धि की चुप्पी से अनजान उसके माता पिता ने अपमान के डर से उसके भागने को छुपाया और एक दूध वाले सूर्य और सूर्या की चचेरी बहन पार्वती की कथित और आत्महत्याएं सूर्य को परेशान करती है, जो दोस्तों धर्म धरनाओं का विश्वास करता है और एक आरामपी डॉक्टर के साथ हत्याओं को जांच करता है। और दोस्तों एक अघोरा गांव को आने वाले खतरों से आगाह करता है और वह समझता है कि उन्हें तालाबंदी करके गलती की सूर्या ने सुधा की लाश की खोज में और कुमार की मृत्यु का पता लगाया है। लेकिन दोस्तों महसूस करते हुए कि सूर्य ने सुधा की मृत्यु देखी और पार्वती ने सूर्य को अपना गला काटते हुए देखा, जैसे सुधा ने कुमार की मृत्यु देखी और सूर्य ने निष्पक्ष कला की मृत्यु एक से दूसरे संक्रमित हो रही है और न्यूनतम संभावित शिकार का पता चलता है। लेकिन दोस्तों नंदिनी जो अंत आत्महत्या के बारे में सोचती है, लेकिन सूर्य के समय पर हस्तक्षेप से वह बच जाती है। सूर्याचल पति और उसके परिवार से जुड़े अस्तित्व को आत्मसात करता है और आरएमपी के साथ उनके जीर्ण शीर्ण और आवास में घुसपैठ करता है। हाल ही में दोस्तों उससे जुड़े अतीत का आत्मसात करता है और आरएमपी के साथ उनके जीर्ण और शीर्षक आसपास में घुसपैठ करता है। हाल ही में दोस्तों उसका स्थान की यात्रा के दौरान सूर्य को फर्व पर संदेह हुआ और मुख्य रूप से पुजारी को आदेश का उल्लंघन किया और दोस्तों घोषण की नंदिनी की बलि देने से घटनाएं
समाप्त हो जाएगी। लेकिन दोस्तों ग्रामीणों का विरोध करते हुए सूर्या ने नंदिनी को बेहोश कर दिया और 8 घंटे के भीतर समस्या का समाधान करने की कसम खाई है। वह दोस्तों गौरव के आधनालय का दौर करता है, जहां दोस्तों उसे पता चलता है कि गौरव भैरव उसके संस्थापक को पग्गू बनाने के बाद फरार हो गया है। सूर्या और भैरव के ठिकाने की खोज की और प्रतिक्रिया में कुछ अघोरों का पता चल लगता है और अघोर जिनसे दिन में पहले ग्रामीणों को चेतावनी दी और एक गुफा की खोज में उसकी सहायता करता है, जहां दोस्तों जादू किया गया और सूर्या ने भैरव के सम्मान को उजागर किया और जिससे उसे एक एहसास हुआ कि कुमार ही भैरव के और रुद्रमन की वास्तविक शिलालेख और जिसे एक नकली के साथ बदला दिया गया था, जिसे दोस्तों वर्तमान में उपयोग किया जा रहा है। यह समझाते हुए कि एक ग्रामीण सहायता कर सकता है और वह वास्तव में कुमार को सर्प का निष्पादित करने का निर्देशक दे रहा है। सूर्या को पता चलता है कि नंदिनी का बलिदान गांव को खत्म करने के लिए एक धोखा है। लेकिन दोस्तों यह फिल्म काफी चली थी, जो कि दोस्तों यह फिल्म को दर्शकों ने काफी पसंद किया था। फिल्म जो दोस्तों तेलुगु भाषा की बनी फिल्म विरूपक्ष, जो कि दोस्तों इस फिल्म में अभिनेता शायद हम तेज है, जो दोस्तों यह एक भारतीय अभिनेता है जो दोस्तों तेलुगु फिल्मों में काम करते हैं। अल्लू को और अल्लू कोनिडेला परिवार से संबंधित उन्होंने अपने अभिनय कैरियर की शुरुआत बॉक्स ऑफिस पर सफल पिल्ला नुब्बू लेनी और जीवित हम 2014 से की थी, जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण के लिए सीमा पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण के लिए सिनेमा पुरस्कार मिला है। अपनी शुरुआती के बाद तेज और सुब्रमण्यम फारसेल 2015 और सुप्रीम 2016 जैसी फिल्मों में दिखाई दिए हैं, जो दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और इसके बाद एक के बाद एक आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलताएं मिली और इसके बाद तेज ने सफल फिल्मों में चित्रलहरी 2019 और प्रतिरोजू पड़ांगे 2019 और शोले ब्रेथु के शो बैटर 2020 और रिपब्लिक 2021 से खुद को स्थापित किया था। उनकी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली रिलीज विरूपक्ष 2023 के साथ रिलीज हुई थी, जो दोस्तों काफ़ी कमाई की है। तेज ने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत 2014 में रेजिना कैसेंड्रा के साथ फिल्म पिल्ला नुबुल लेनी और जीवितम से की थी, जो दोस्तों यह बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा कि शायद तेज का देहाती आकर्षण और उनके कार्यों को विश्वसनीयता बनाता है, लेकिन दोस्तों अभिनेता विशेष रूप से अपने डांस मूव्स से काफ़ी प्रभावशाली है। जबकि दोस्तों डेकन क्रॉनिकल ने कहा कि शायद हंतेज ने एक परिपक्व प्रदर्शन किया है, वह दोस्तों पूरी फिल्मों में अपने प्रदर्शन से मनोरंजक करते हैं और उन्होंने यह काम काफ़ी सहजता से किया है। उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण और फिल्मफेयर के लिए सीमा पुरस्कार मिला है। लेकिन दोस्तों 2015 में तेजा ने दो फिल्मों में रिलीज हुई उनकी पहली फिल्म रे थी, जिसमें उन्होंने सयामिस खेर के साथ राग का किरदार निभाया था। 123 तेलुगु ने कहा कि शायद रंतेज का शानदार प्रदर्शन इस फिल्म की प्रमुख संपत्ति है। लेकिन दोस्तों 2015 में तेज की दूसरी रिलीज सुब्रमण्यम फारसेल से की थी, जो दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और 23.95 करोड़ से अधिक की कमाई की थी।
पिल्लानुब्बु लेनी और जीवितम 2014 के बाद उन्होंने दूसरी बार रेजिना कैसेंड्रा के साथ अभिनय किया था। हालांकि दोस्तों विभिन्न आलोचकों ने इसे नियमित कहा और तेज के प्रदर्शन को बेहतर प्रदर्शन और सहज और आश्चर्यजनक बताया है। दोस्तों अगले वर्ष रिलीज हुई तेज की एक्शन कॉमेडी सुप्रीम भी आर्थिक रूप से सफल रही थी और उनकी सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक थी। सुप्रीम के बाद तेज ने 5 फिल्मों में मुख्य भूमिका में अभिनय किया है, जिनमें से दोस्तों थिक्का 2016, बिना 2017, जवान 2017 और इंटेलिजेंट 2018, तेज आई लव यू 2018 शामिल है। सुपरस्टार तेज की अपनी फिल्मों में सम्मान और नियमित कहानियों का चयन करने के लिए भी आलोचना की गई थी। चित्रलहरी उनकी 2019 की पहली रिलीज थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी। आलोचकों ने उनके प्रदर्शन की प्रशंसा की और तेज ने अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। टाइम्स ऑफ इंडिया ने फिल्म में विजय के किरदार को तेज के अब तक के करियर का सबसे सर्वश्रेष्ठ किरदार बताया है। फिल्म में उनकी भूमिका के बारे में डेकन क्रॉनिकल ने बताया कि शाहिद खान तेज ने अपना वजन बढ़ाया है और दाढ़ी के साथ तैयार दिखते हैं और चरित्र में फिट बैठते हैं। इसे दोस्तों भूमिका के लिए उन्हें अपनी सामूहिक छवि को पूरा तरह से अलग रख दिया है। वर्ष की उनकी अगली फिल्म प्राचीन रोजू पड़ंगे भी सफल रही थी और द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने मुरली कृष्णा CH ने फिल्म्स में अपने समीक्षक ने लिखा है कि फिल्म निश्चित रूप से शाहिद खान तेज का कैनवास और वह तेजता के साथ अपने मन्नक और चाप पेश करते हैं। बाद में दोस्तों 2020 में उनकी फिल्म लुंगे ब्रेथ के सो बेटर को COVID-19 महामारी के बाद रिलीज हुई थी और सिनेमा घर में 50% एक्यूपियंसी की प्रतिबंधक के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी। लेकिन दोस्तों आइडल ब्रेंड ने के सीवी ने तेज के प्रदर्शन की सराहना की, विशेष कर उनकी कॉमेडी टाइमिंग और फिल्म के भावनात्मक दृश्य में अभिनय की। इसके विपरीत द हिंद की वाहिनी सुनीता चौधरी ने कहा कि तेज को बेहतर स्क्रिप्ट से फायदा हो सकता था। देवकट्टा द्वारा निर्देशित अपनी अगली फिल्म रिपब्लिक 2021 में तेज के एक IAS अधिकारी की भूमिका निभाई थी। दोस्तों फिल्म जो एक राजनीतिक ड्रामा है और उनके सकारात्मक समीक्षा मिली, आलोचकों ने उनके प्रदर्शन की परिपक्व कहा था और फिल्म को दर्शकों द्वारा खूब सराहा गया था और यह हिट बन गई थी। तेलंगाना टुडे के प्रकाश पंचती ने कहा कि रिपब्लिक निश्चित रूप से शाहिद खान तेज के लिए एक उपलब्धि है और तेज की 15वीं फिल्म विरूपक्ष भाग बेलेना प्रसिद्ध वाले कार्तिक वर्मा डांडू द्वारा निर्देशित एक सामाजिक कल्पनिक फिल्म है, लेकिन दोस्तों जिसे आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली है। यह उनके कैरियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई और वह अगली बार अपने चाचा पवन कल्याण के साथ विनोदय और सिद्धम ब्रो के रीमेक में अभिनय कर रहे हैं, जिसका डायरेक्टर सोनू त्रिकानी ने किया था, जिन्होंने दोस्तों मूल का भी निर्देशक किया था। यह जुलाई 2023 में रिलीज होने वाली उनकी क्रमश और नवोदित जयंत पानुगाती और संपत नदी के साथ फिल्मों में भी साइन किया गया था। लेकिन दोस्तों सितंबर 2021 में तेज ने हैदराबाद में दुर्गम
चेरुबो ब्रिज के पास एक एकल वाहन मोटरसाइकिल की दुर्घटनाग्रस्त घायल हो गया था। उन्होंने अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बात करें दोस्तों फिल्म में सुपरस्टार अभिनेत्री संयुक्ता, जिसने पूर्व नाम संयुक्ता मेनन के नाम से भी जाना जाता है, यह एक भारतीय अभिनेत्री है जो मुख्य रूप से मलयालम, तेलुगु, तमिल फिल्मों में दिखाई देती है। उन्होंने मलयालम फिल्म पॉपकॉर्न 2016 से अभिनय की शुरुआत की थी। संयुक्ता ने थेवंडी 2018, ओरु यदन यमंदन और प्रेम कथा कल्लिक दोनों 2019 और वेलम 2021 और कुडवा 2022 सहित सफल मलयालम फिल्मों में काम किया है। विमला नायक 2022 के साथ अपने तेलुगु डेब्यू के बाद उन्होंने बिम्बिसरा 2022 में एक इंस्पेक्टर हुआ थे। 2023 में एक जीवी विज्ञान शिक्षक और विरूपक्ष 2023 में एक प्रतिशोध महिला की भूमिका निभाने के लिए प्रशंसा किया था। लेकिन दोस्तों बात की जाए संयुक्ता ने 2016 में मलयालम फिल्म पॉपकॉर्न से अपनी फिल्म की शुरुआत की, जहां उन्होंने फिल्म साइंस टाम चाको से प्रेम की अंजाम की भूमिका निभाई। यह तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर कल्लारी में थेन मोची के रूप में दिखाई दी है। उन्होंने दोस्तों 2018 की भारतीय मलयालम भाषा की रिवेंज थ्रिलर फिल्म लिली में शीर्षक भूमिका निभाने के लिए चुना गया था, जिसकी पाठकथा और निर्देशक नवदीप प्रसभ विजय ने किया था। लेकिन दोस्तों 2017 के अंत में घोषित जुलाई कैटरिल में एक रोमांटिक कॉमेडी तमिल फिल्म है। यह परियोजना 2018 में रिलीज हुई थी। उनकी अगली रिलीज थिविंटी थी एंटी एक मलयालम भाषा के राजनीतिक वज्ञ फिल्म थी, जो दोस्तों डेविड फेम और फेलिनी टिप्पी द्वारा निर्देशित और बिनी विश्वलाल द्वारा लिखित थी। 2019 के संयुक्ता की पहली बार रिलीज ओरु यमंदन और प्रेम कथा थी, जो दोस्तों बीसी नेपाल द्वारा निर्देशित एक विभिन्न जल और विष्णु उनके कृष्णा द्वारा लिखी थी। उन्होंने दोस्तों उयारे में टेसा के रूप में एक छोटी सी भूमिका और पदन धन की साइड की भूमिका निभाई है, जिसमें प्रवीण और प्रारंभम द्वारा निर्देशित टेविनो थमस मुख्य भूमिका थे। बाद में दोस्तों उन्होंने भेमला नायक के कास्ट किया था और जो फरवरी 2022 में रिलीज हुई थी। अगली बार 2022 में उन्होंने फिल्म गालीपत्ता 2 से कन्नड़ में अपनी शुरुआत की है। वही दोस्तों बात की जाए फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता सुनील जोशी। दोस्तों यह एक भारतीय अभिनेता है जो दोस्तों फिल्म विरूपक्ष मूवी में अभिनेता शाहिद धरब तेज के साथ दिखाई दिए हैं। सुनील जिन्हें सुनील के नाम से जाना जाता है और यह एक भारतीय अभिनेता है जो मुख्य रूप से तेलुगु फिल्मों में काम करते हैं। उन्होंने दोस्तों तमिल फिल्म में भी अभिनय किया है और अपनी हास्य भूमिकाओं के लिए प्रसिद्ध सुनील ने अपने कैरियर में 180 से अधिक फिल्मों में काम किया है, जिसमें कुछ मुख्य भूमिकाएं भी शामिल है और उन्होंने 3 राज्य नदी पुरस्कार, 2 दक्षिण फिल्मफेयर पुरस्कार जीते हैं। सुनील ने अडंगला और रामुड्डू 2006 में मुख्य भूमिका निभाई है और उसके बाद कई तेलुगु भाषा की फिल्मों में अभिनय किया है, जिसमें मर्यादा और रमन्ना 2010, पुल्ला और रंगाडू 2012 और तदंखा 2013 जैसी व्यावसायिक सफलताएं शामिल है। सुनील ने इनके अभिनय कैरियर की शुरुआत यानी दोस्तों 2010 में सुनील ने एसएस राजमौली द्वारा निर्देशित मर्यादा और रमन्ना में अभिनय किया था।
लेकिन दोस्तों जो व्यावसायिक रूप से सफल रही और सिफी के एक समीक्षक ने कहा कि सुनील एक अब एक कॉमेडी हीरो की तरह नहीं दिखेंगे। उनके नेतृत्व बेहद शानदार है और इसके बाद सुनील को वीरभद्रम और चौधरी द्वारा निर्देशित पुल्ला रंगाडू में मुख्य भूमिका के लिए चुना गया था। जो दोस्तों दुनिया भर के 450 सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी, फिल्म को सकारात्मक समीक्षा मिली है। उदाहरण वचित वह फिल्म कलर फोटो 2020 में खलनायक थे और जिसे उन्होंने आलोचनात्मक प्रशंसा मिली है। 2021 में दोस्तों फिल्म पुष्पा द राइज में सुनील को एक गंभीर गैंगस्टर मंगल सिन्हू और असामान्य की भूमिका में देखा गया था। जो दोस्तों उनके द्वारा आमतौर पर भी निभाई जाने वाली कॉमेडी भूमिकाओं से बहुत अलग है और फिल्म की सफलता के बाद उन्होंने नकारात्मक भूमिका निभाने के लिए कई प्रस्ताव मिले थे। और दोस्तों उन्होंने 2023 में मावीरन 2023 के साथ तमिल में अपनी शुरुआत किया था। लेकिन दोस्तों बात की जाए फिल्म तेरो पक्ष में अभिनेता ब्रह्मासंजी, जो कि दोस्तों यह एक भारतीय अभिनेता है जो दोस्तों तेलुगु फिल्म में काम करते हैं। तेलुगु मूवी में काम करने वाले अभिनेता ब्रह्मासंजी जो यह एक भारतीय अभिनेता है जिन्होंने तेलुगु सिनेमा में काम करते हैं और यह निर्देशक कृष्ण वंशी के फिल्मों में नियमित अभिनेता है और बतौर निर्देशक कृष्ण वंशी की पहली फिल्म गुलाबी में ब्रह्मासंजी अहम भूमिका में दिखे थे। वह कृष्ण वंशी की दूसरी फिल्म निन्ने पेल्लाडाटा में दिखाई दिए थे। कृष्ण वंशी ने उन्होंने फिल्म सिंधुरम से हीरो बनाया था। वह ब्रह्मासंजी एक चरित्र कलाकार के रूप में काम करते रहे और वह समक्का और सरक्का, इंस्पेक्टर काकी और आइडिया अंडारिकी और वद्दनलु, अध्यक्ष और अध्यापक धूमधाम और अबो वादा जैसे कई फिल्मों में काम किया था। ब्रह्मासंजी का दावा है कि सिर्फ एक फिल्म में अभिनय के लिए चोबी और सोमायालुजु में मिले थे, जो कि दोस्तों सम्मानन से वह मंत्र मुक्त हो गए थे। उस समय ब्रह्मासंजी ने फैसला किया था कि एक दिन वह भी फिल्म में अभिनय करेंगे और जेबी सोमायालु की तरह एक महान अभिनेता बनेंगे। इस घटना से उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया गया था और इंटरमीडिएट के बाद ब्रह्मासंजी अपने अभिनय के सपनों को पूरा करने के लिए मद्रास चले गए थे। अब 3 दर्शकों को परमिशन दी जाती है। तो दोस्तों आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा क्योंकि दोस्तों तेलुगु भाषा की बनी फिल्म वीरपक्ष, जो कि दोस्तों यह फिल्म को तेलुगु भाषा के साथ बनाई गई है। तो दोस्तों इस फिल्म से जुड़े कुछ ऐसे न्यू स्टोरी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तब तक दोस्तों आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर दें। फिल्म वीरपक्ष, जो कि दोस्तों 2023 की भारतीय तेलुगु भाषा की हर्रर थ्रिलर फिल्म है, जो दोस्तों जिसका डायरेक्टर कार्तिक वर्मा डांडू ने किया है, जिन्होंने दोस्तों कुमार के साथ फिल्म का सहलेखन किया था। फिल्म का निर्माण बीवीएसएन प्रसाद और सुकुमार ने क्रमश्री वेंकटेश्वर सिने चलचित्र और सुकुमार राइटिंग्स के माध्यम से किया गया था। इसमें दोस्तों सही धर्म तेज संयुक्त सुनील आयु कंकला, ब्रह्मासंजी अजय और रवि कृष्ण शामिल हैं। फिल्म वीरपक्ष, जो कि दोस्तों 21 अप्रैल 2023 को रिलीज हुई थी और इसे आलोचकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली है। दोस्तों फिल्म बॉक्स ऑफिस पर व्यावसायिक रूप से सफल रही और फिल्म में यह फिल्म का डायरेक्टर कार्तिक वर्मा डांडू ने किया था। फिल्म की पटकथा सुकुमार किया है और फिल्म की संवाद
कृष्ण हरि ने संभाले थे, जबकि दोस्तों किरण की अभिनीति साईधरम थे, संयुक्ता सुनील ब्रहाजी और राजीव पनाकला अजय रवि कृष्ण जैसे और बड़े स्टार आपको दोस्तों फिल्म में देखने को मिलेंगे। फिल्म का छायांकन समर दत्ता सैनुद्दीन ने संभाला है और फिल्म की उत्पादक कंपनी श्री वेंकटेश्वर श्री ने सिने चित्र और सुकुमार लेखन द्वारा उत्पादित किया गया था। 21 अप्रैल 2023 को रिलीज हुई फिल्म विपक्ष, जो कि दोस्तों यह फिल्म का रिलीज 21 अप्रैल 2023 को रिलीज किया गया था। दोस्तों इस फिल्म का रन टाइम 146 मिनट के साथ बनाई गई है और यह फिल्म को तेलुगु भाषा के साथ भारत में रिलीज हुआ था। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 1 से 3 करोड़ की जबरदस्त कलेक्शन किया था, जो कि दोस्तों यह फिल्म कमाई के मामले में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था। अभिनेता साई धरम तेज की फिल्म में सूर्या के रूप में दिखाई दिए हैं और वहीं दोस्तों संयुक्ता नंदनी के रूप में हैं और सुनील एक ग्रामीण अब्बाई राजू के रोल निभाए हैं, जबकि दोस्तों हरिचंद्र प्रसाद के रूप में राजीव कनकला अपना रोल निभाए हैं। फिल्म की बात की जाए तो दोस्तों यह फिल्म का कहानी यानी संगीत दिया है, फिल्म का स्कोर साउंडट्रैक भी अजनेश लेखनाथ द्वारा रचित है, जबकि दोस्तों पहला गाना नच बुल्ले 24 मार्च 2023 को रिलीज किया गया था, जबकि दोस्तों दूसरा गाना कल्लालो 23 अप्रैल 2023 को रिलीज हुई थी। और दोस्तों फिल्म के कलात्मक रुद्रमन गांव के बाहरी हिस्से और सड़कों को तकनीकी विशाखापत्तनम जिले के आराकू और पडेरू में और उसके आसपास फिल्माया गया था, जहां दोस्तों कार्तिक वर्मा ने पाठक कथा लिखी थी और हंटेड हाउस और सम और सरपंच हाउस का सेट हैदराबाद में बनाया गया था। फिल्म की कहानी की ओर नज़र डालें तो दोस्तों फिल्म में विरूपक्ष मूवी 2023 की भारतीय तेलुगु भाषा की फिल्म है, जो दोस्तों जिसका डायरेक्टर कार्तिक वर्मा टांडू ने किया, जिन्होंने सुकुमार के साथ फिल्म का लेखन किया था। वहीं दोस्तों फिल्म को कथानक यानी 1979 रुद्रमनम में वेंकटेश चलचित्र और उनकी पत्नी पर रुद्र क्रुद्ध निवासियों द्वारा बेरहमी से हमला किया जाता है, उन्हें भगाया गया और जिला जला दिया गया। उनका अनुमान था कि उनके भयानक अनुष्ठानों काले जादू के कारण गांव में कई मौतें हुई और मरने वाली महिला रुद्रमन को पत्रम देती है और वह बड़ा साल बाद गांव के विनाश की आकांक्षा जाती है। दंपति के छोटे बेटे भैरव को बाद में सरपंच हरिचंद्र प्रसाद के आदेश पर एक अथनल में भर्ती कराया गया था, लेकिन दोस्तों 1991 में एक अलौकिक कौवे के हमले के बाद एक निवासी सैदेया के लापता होने के 1 सप्ताह बाद अनसुयामा अपने बेटे सूर्य और भतीजे के साथ एक स्कूल में निर्माण करने के लिए अपने जमीन का एक हिस्से देने के लिए अपने गृह नगर रुद्रवनम का दौर करती है और दोस्तों देवी मुद्दाबा के सम्मान के आयोजित गांव के वार्षिक कार्निकल में भाग लेते हैं। और दोस्तों हरिचंद्र प्रसाद की बेटी नंदनी के साथ सूर्या की मुलाकात के परिणाम स्वरूप प्यार हो जाता है और वह स्पष्ट रूप से प्रतिशत देती है, लेकिन दोस्तों उसके प्रस्ताव को स्वीकार करने में झिझकती है और सिद्धे एक भयावह चेकक हो गया और मंदिर में आता है और अतरंगिक गर्भग्रहण मर जाता है, जिसके अब
पवित्रता मनाया जाता है और मंदिर के मुख्य पुजारी के पारंपरिक आदेश से विश्लेषण करते हुए घोषणा की देवी और उनके बच्चों ग्रामीणों को अपवित्र किया गया है। सौंदर्य की मृत्यु के साथ प्राच्य मृत्यु के साथ प्राच्य में रोकने के लिए अगले आठ दिनों के लिए गांव को आठ दिशाओं में सील करना आवश्यक है। लेकिन दोस्तों अब अवागम और निषिद्ध है। लेकिन दोस्तों और सभी धार्मिक प्रतीक को मंदिर में गृहित किया जाना चाहिए। सूर्य और उसके परिवार को बाहर जाने की अनुमति दी गई है। लेकिन दोस्तों इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वो 18 वर्षों से गांव में नहीं आए हैं और फिर भी सूर्य एक शीशी देने के लिए रुद्रवनम में पुनः प्रवेश करता है। जो दोस्तों नंदिनी को ठीक कर ले सकती है जो ऐठन से ग्रस्त है, जिसे दोस्तों वह 8 दिनों तक उस स्थान के अंतिम छोर तक जाने में असमर्थ हो जाता है। शुद्धा नंदिनी की करीबी दोस्त अपने प्रेमी कुमार के साथ भागने के लिए सीमा उल्लंघन करती है, जिसकी दुखद मौत वह देखती है और गांव लौटती है। लेकिन दोस्तों मधुमुखी के छत्ते में चली जाती है, जिससे दोस्तों मधुमक्खियां उस पर हमला करते हैं और उसे मारने के लिए उकसाती है। शुद्धि की चुप्पी से अनजान उसके माता पिता ने अपमान के डर से उसके भागने को छुपाया और एक दूध वाले सूर्य और सूर्या की चचेरी बहन पार्वती की कथित और आत्महत्याएं सूर्य को परेशान करती है। जो दोस्तों धर्म धरनाओं का विश्वास करता है और एक आरामपी डॉक्टर के साथ हत्याओं को जांच करता है और दोस्तों एक अघोरा गांव को आने वाले खतरों से आगाह करता है और वह समझता है कि उन्हें तालाबंदी करके गलती की सूर्य ने सुधा की लाश की खोज में और कुमार की मृत्यु का पता लगाया है। लेकिन दोस्तों महसूस करते हुए कि सूर्य ने सुधा की मृत्यु देखी और पार्वती ने सूर्य को अपना गला काटते हुए देखा, जैसे सुधा ने कुमार की मृत्यु देखी और सूर्य ने निष्पक्ष कला की मृत्यु एक से दूसरे संक्रमित हो रही है और न्यूनतम संभावित शिकार का पता चलता है। लेकिन दोस्तों नंदिनी जो अंत आत्महत्या के बारे में सोचती है, लेकिन सूर्य के समय पर हस्तक्षेप से वह बच जाती है। सूर्य चाल पति और उसके परिवार से जुड़े अस्तित्व को आत्मसात करता है और आरएमपी के साथ उनके जीर्ण शीर्ण और आवास में घुसपैठ करता है। हाल ही में दोस्तों उससे जुड़े अतीत का आत्मसात करता है और आरएमपी के साथ उनके जीर्ण और शीर्षक आसपास में घुसपैठ करता है। हाल ही में दोस्तों उसका स्थान की यात्रा के दौरान सूर्य को पर्व पर संदेह हुआ और मुख्य रूप से पुजारी को आदेश का आकलन किया और दोस्तों घोषण की नंदिनी की बलि देने से घटनाएं समाप्त हो जाएगी। लेकिन दोस्तों ग्रामीणों का विरोध करते हुए सूर्य ने नंदिनी को बेहोश कर दिया और 8 घंटे के भीतर समस्या का समाधान करने की कसम खाई है। वह दोस्तों गौरव के आधनालय का दौर करता है, जहां दोस्तों उसे पता चलता है कि गौरव
भैरव उसके संस्थापक को पग्गू बनाने के बाद फरार हो गया है। सूर्य और भैरव के ठिकाने की खोज की और प्रतिक्रिया में कुछ अघोरों का पता चल लगता है और अघोरों जिनसे दिन में पहले ग्रामीणों को चेतावनी दी और एक गुफा की खोज में उसकी सहायता करता है, जहां दोस्तों जादू किया गया और सूर्य ने भैरव के सम्मान को उजागर किया और जिससे उसे एक एहसास हुआ कि कुमार ही भैरव के और रुद्रमन की वास्तविक शिलालेख और जिसे एक नकली के साथ बदला दिया गया था, जिसे दोस्तों वर्तमान में उपयोग किया जा रहा है। यह समझाते हुए कि एक ग्रामीण सहायता कर सकता है और वह वास्तव में कुमार को सर्प का निष्पादित करने का निर्देशक दे रहा है। सूर्य को पता चलता है कि नंदनी का बलिदान गांव को खत्म करने के लिए एक धोखा है। लेकिन दोस्तों यह फिल्म काफी चली थी, जो कि दोस्तों यह फिल्म को दर्शकों ने काफी पसंद किया था। फिल्म जो दोस्तों तेलुगु भाषा की बनी फिल्म विरूपक्ष, जो कि दोस्तों इस फिल्म में अभिनेता शाहिद हम्तेज है, जो दोस्तों यह एक भारतीय अभिनेता है जो दोस्तों तेलुगु फिल्मों में काम करते हैं। अल्लू को और अल्लू कोनिडेला परिवार से संबंधित उन्होंने अपने अभिनय कैरियर की शुरुआत बॉक्स ऑफिस पर सफल पिल्ला नुब्बू लेनी और जीवित हम 2014 से की थी, जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण के लिए सीमा पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण के लिए सिनेमा पुरस्कार मिला है। अपनी शुरुआती के बाद तेज और सुब्रमण्यम फारसेल 2015 और सुप्रीम 2016 जैसी फिल्मों में दिखाई दिए हैं, जो दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और इसके बाद एक के बाद एक आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलताएं मिली। और इसके बाद तेज ने सफल फिल्मों में चित्रलहरी 2019 और प्रतिरोजू पड़ांगे 2019 और सोले बैथु के शो बैटर 2020 और रिपब्लिक 2021 से खुद को स्थापित किया था। उनकी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली रिलीज विरूपाक्ष 2023 के साथ रिलीज हुई थी, जो दोस्तों काफ़ी कमाई की है। तेज ने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत 2014 में रेजिना कैसेंड्रा के साथ फिल्म पिल्ला नुबुल्लु लेनी और जीवितम से की थी, जो दोस्तों यह बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा कि शाहिद हम्तेज का देहाती आकर्षण और उनके कार्यों को विश्वसनीयता बनाता है, लेकिन दोस्तों अभिनेता विशेष रूप से अपने डांस मूव्स से काफ़ी प्रभावशाली है। जबकि दोस्तों डेकन क्रॉनिकल ने कहा कि शाहिद हम्तेज ने एक परिपक्व प्रदर्शन किया है, वह दोस्तों पूरी फिल्मों में अपने प्रदर्शन से मनोरंजक करते हैं और उन्होंने यह काम काफ़ी सहजता से किया है। उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण और फिल्मफेयर के लिए सीमा पुरस्कार मिला है। लेकिन दोस्तों 2015 में तेजा ने दो फिल्मों में रिलीज हुई उनकी पहली फिल्म रे थी, जिसमें उन्होंने सयामिस खेर के साथ राग का किरदार निभाया था। 123 तेलुगु ने कहा कि शाहिद हम्तेज का शानदार प्रदर्शन इस फिल्म की प्रमुख संपत्ति है। लेकिन दोस्तों 2015 में तेज की दूसरी रिलीज सुब्रमण्यम फारसेल से की थी, जो दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और 33.95 करोड़ से अधिक की कमाई की थी। पिल्ला नुब्बू लेनी और जीवितम 2014 के बाद उन्होंने दूसरी बार रेजिना कैसेंड्रा के साथ अभिनय किया था। हालांकि दोस्तों विभिन्न आलोचकों ने इसे नियमित कहा और तेज के प्रदर्शन को बेहतर प्रदर्शन और सहज और आश्चर्यजनक बताया है।
दोस्तों अगले वर्ष रिलीज हुई देश की एक्शन कॉमेडी सुप्रीम थी। सुप्रीम भी आर्थिक रूप से सफल रही थी और उनकी सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक थी। सुप्रीम के बाद तेज ने 5 फिल्मों में मुख्य भूमिका में अभिनय किया है, जिनमें से दोस्तों थिक्का 2016, विनर 2017, जवान 2017 और इंटेलिजेंट 2018, तेज आई लव यू 2018 शामिल है। सुपरस्टार तेज की अपनी फिल्मों में सम्मान और नियमित कहानियों का चयन करने के लिए भी आलोचना की गई थी। चित्रलहरी उनकी 2019 की पहली रिलीज थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी। आलोचकों ने उनके प्रदर्शन की प्रशंसा की और तेज ने अपने कैरियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। टाइम्स ऑफ इंडिया ने फिल्म में विजय के किरदार को तेज के अब तक के कैरियर का सबसे सर्वश्रेष्ठ किरदार बताया है। फिल्म में उनकी भूमिका के बारे में डेकन क्रॉनिकल ने बताया कि शाहिद खान तेज ने अपना वजन बढ़ाया है और दाढ़ी के साथ तैयार दिखते हैं और चरित्र में फिट बैठते हैं। इसे दोस्तों भूमिका में भूमिका के लिए उन्हें अपनी सामूहिक छवि को पूरा तरह से अलग रख दिया है। वर्ष की उनकी अगली फिल्म प्रतिम रोचू पड़ंगे भी सफल रही थी और द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने मुरली कृष्णा सी एच ने फिल्म्स में अपने समीक्षक ने लिखा है कि फिल्म निश्चित रूप से साई धर्म तेज का कैनवास और वह तेजता के साथ अपने मन्नक और चाप पेश करते हैं। बाद में दोस्तों 2020 में उनकी फिल्म लुंगे ब्रेथ के सो बेटर को COVID-19 महामारी के बाद रिलीज हुई थी और सिनेमा घर में 50% एक्यूपेंसी की प्रतिबंधक के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी। लेकिन दोस्तों आइडल ब्रांड के सीवी ने तेज के प्रदर्शन की सराहना की, विशेष कर उनकी कॉमेडी टाइमिंग और फिल्म के भावनात्मक दृश्य में अभिनय की। इसके विपरीत द हिंद की वहाई सुनीता चौधरी ने कहा कि तेज को बेहतर स्क्रिप्ट से फायदा हो सकता था। देवकट्टा द्वारा निर्देशित अपनी अगली फिल्म रिपब्लिक 2021 में तेज के एक आईएएस अधिकारी की भूमिका निभाई थी। दोस्तों फिल्म जो एक राजनीतिक ड्रामा है और उनके सकारात्मक समीक्षा मिली, आलोचकों ने उनके प्रदर्शन की परिपक्व कहा था और फिल्म को दर्शकों द्वारा खूब सराहा गया था और यह हिट बन गई थी। तेलंगाना टुडे के प्रकाश पंचती ने कहा कि रिपब्लिक निश्चित रूप से शायद रामतेज के लिए एक उपलब्धि है और तेज की 15वीं फिल्म विरूपक्ष भाग बेलेना प्रसिद्ध वाले कार्तिक वर्मा डांडो द्वारा निर्देशित एक सामाजिक कल्पनिक थ्रिलर है, लेकिन दोस्तों जिसे आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली है। यह उनके कैरियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई और वह अगली बार अपने चाचा पवन कल्याण के साथ विनोदय और सिद्धम ब्रो के रीमेक में अभिनय कर रहे हैं।